मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ, हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। पूरे 17 सालों तक एक्स कर्नल कृष्णकांत पुरी की अपील दर अपील पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चाइना गेट मिशन की नाकामयाबी पर आर्मी हेडक्वार्टर्स का वो फैसला कि कर्नल कृष्णकांत पुरी और उनकी बटालियन के 10 साथियों का कोर्ट मार्शल किया जाए, बिल्कुल सही था। चाइना गेट मिशन के दौरान कर्नल किशनकांत पुरी और उनके साथियों का पीठ दिखाकर भागना भारतीय थल सेना के इतिहास का एक काला पन्ना होगा। क्या शरिंग की सजा देकर बाकी सिपाहियों के लिए भी एक सबक होगा कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही के दिल में एक ही जज्बा होना चाहिए और वह देश पर मर मिटने का। इस मामले में किसी और अपील की इजाजत न देते हुए यह अदालत चाइना गेट मिशन के इस केस को मुकम्मल तौर पर पूरा मानते हुए यही बंद करने का हुक्म देती है। नमस्ते कर्नल साहब। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरा नाम संध्या है, संध्या राजन। आप मेरे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर सुंदर राजन को जानते थे, दोस्त थे आपके। ये देखिए, आप शादी में भी खड़े हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं, मगर डैडी से अक्सर आपकी बहादुरी के किस्से सुने, फिर अखबार में आपकी तस्वीर देखी। आप कोई केस लड़ रहे हैं ना कई सालों से? देखिए मेरे पास। जगीरा, मेरा गांव देवदुर और आसपास के तमाम गांव जगीरा के आतंक से जैसे मरे जा रहे हैं। यूं समझिए हमारी हर सुबह किसी न किसी की चीख पुकार के साथ जागती है। जगीरा ने इसकी जबान काट दी। अरे तुम इसे दवाखाने में ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। अरे संभाल के ले जाओ। अरे संभाल के। तेरे गोपीनाथ, हमने तुम्हें इसलिए मुखिया बनाया था ताकि तुम हमें सही रास्ता दिखाओ, लेकिन तुम इस फॉरेस्ट ऑफिसर की बातों में आके हमें बहका रहे हो। जगीरा ने खबर भेजी है कि अब भी अगर हमने उसे धन और दान नहीं भेजा तो वो हम सबके सर काट के फेंक देगा। देखो गोपीनाथ, सरकार आप हमारे और मुखिया के बीच में मत बोलिए। हाँ, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। आपका तो अब तक कोई मरा नहीं ना? चुप चुप। अरे क्या बक रहे हो तुम? किसके साथ बात कर रहे हो तुम? तुम जानते हो राजन साहब फॉरेस्ट अफसर है, पुलिस अफसर नहीं है। जगीरा को पकड़ने का इनका काम नहीं है, बल्कि हमारी बेबसी और लाचारी को देखकर इन्होंने जगीरा को पकड़ने का बीड़ा उठाया है। अरे बाप बेटी हमारे गांव की भलाई के लिए क्या क्या नहीं करते हा?
डिस्पेंसरी खोली, स्कूल शुरू कर दिया और क्या क्या नहीं किया, और तुम कहते हो कि हमारा इनका कोई वास्ता नहीं है। अरे शर्म करो। चुप हो जाओ। देखो खतरा तो सबको है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो तो हमें आज इस खतरे का मुकाबला करना पड़ेगा। 2 महीने से हमने जगीरा को धन और दान देने से इनकार कर दिया है और इसे जगीरा घबरा गया है। वो जानता है कि अगर आज इस गांव ने इनकार कर दिया तो कल दूसरा गांव करेगा, फिर तीसरा, और जगीरा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मैंने सोच समझ कर जगीरा को पकड़ने का एक प्लान बनाया है। भगवान ने चाहा तो 24 घंटे के अंदर जगीरा पकड़ा जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाई मुखिया? हाँ साहब। राजन साहब ने तो कहा था जगीरा यहाँ आएगा, ना राजन साहब का पता है ना जगीरा का, कहाँ है वो? सब राजन साहब के प्लान के मुताबिक जगीरा अब तक यहाँ होना चाहिए था, पता नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते साहब। जगीरा जरूर आएगा सर, मेरी बड़ी तमन्ना है उसे अपने हाथों से हथकड़ी पहनाओ। इंस्पेक्टर शर्मा ने भी यही कहा था, जगीरा ने उसके हाथ के 999 टुकड़े करके गिद्धों को खिला दिए। मालूम है जगीरा जहां जाता है गिद्ध उसके साथ चलते हैं। मुन्ना मेरे चुप हो जा, अम्मा सुना रही लोरी। मुन्ना मेरे चुप हो जा, अम्मा सुना रही लोरी। लुका छिपी का खेल, बारे आप आज नया खेल खेलत हैं गांव वालों के साथ। अब चुप, सर तलवार चली नहीं की करन लगे खाए खाए। अरे खून गरम है अभी, मुंह जल जाएगा फिर करन लगोगे काय काय। अब क्या होगा राजन साहब? जरूर किसी ने उसे हमारे प्लान की खबर दी होगी। ए फारस दरोगा, अरे आ बहुत सयाना समझत है अपने आप को। उते मल्लापुर में गोला बारूद के नकली व्यापारी भेज के हमें फसावट चाहते हैं। पहाड़ी के ऊपर पुलिसियों का जाल बिछा रखा है। अरे जगीरा कोई मेमना है क्या? दबोच लोगे? देख ये रहा तेरा नकली व्यापारी और असली थानेदार माधव राय। बाहर आ तो या नहीं, जोड़ा दू इसके बच्चे की खबड़िया। अब तुम काहे को काय काय कर रही हो? अरे हमने कछुकिया का, अरे हम तो हूल दे रहे हैं हूल। पहाड़ी के उस पार स्पेशल पुलिस फोर्स मेरे सिग्नल का इंतजार कर रही है। हाँ। आप मेरा साथ दीजिए। हाँ। मैं पिछले दरवाजे से निकल जाता हूँ, जगीरा मेरा पीछा करेगा। हाँ। तब आप सामने वाले दरवाजे से जानवरों को भगा दीजिए। हाँ। जी। जानवर जगीरा को रोक लेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे। हाँ। और मुझे वक्त मिल जाएगा। मैं पहाड़ी पार करके पुलिस को सिग्नल दे दूंगा और जगीरा और उसके साथी खत्म हो जाएंगे। आप घबराइए नहीं, जरा सी हिम्मत से जगीरा का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप मेरे साथ हैं? गुड, शाबाश। मेरे बाहर निकलते ही जानवरों को भगाना, देर मत करना। नहीं करेंगे। जल्दी जानवरों को खोल दीजिए। जी जी बिल्कुल। और देर मत करना, मेरे बाहर निकलते ही जानवरों को छोड़ना। आप चिंता मत करें। आजा, वो भाग रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर सरदार। दबाओ करम के चले को और जो भी बीच में आए काट के रख दियो। चलो
मैंने डैडी को फिर कभी नहीं देखा। आई एम सॉरी। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? डैडी के मरने के बाद देवदूर के लोगों का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। मायूसी और बेबसी के अंधेरे में घिरे हुए हैं वो लोग। अगर आप जैसा बहादुर और नेक इंसान वहां आ जाए तो उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनमें हिम्मत आ जाएगी, वो जगीरा के आतंक से आजाद हो जाएंगे। सर देखो संध्या, अगर तुम सोच रही हो कि मैं देवदुर्ग जाकर तुम लोगों को जगीरा से बचा सकता हूं तो तुम गलत सोच रही हो। ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जानती हूं। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जगीरा एक खूंखार डाकू है, 3 स्टेट्स की पुलिस मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो फिर मैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े रेवोल्यूशन एक ही आदमी से शुरू हुए हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। नमस्ते। सुनो, ये देवदुर्ग है कहाँ? चलेगा तुम्हें कि ड्यूटी पर होते हुए सोने का मतलब क्या होता है। एक दो, एक दो, एक सर आपकी चिट्ठी, दो, एक दो, एक दो, एक, रुको मत, चालू रखो, आज तुम लोगों की सारी सुस्ती निकाल दूंगा। छोड़ भी दीजिए ना बेचारों को। मेरे होते हुए यार्ड में चोरी हो जाए, इन्हें लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए। अब आयरन बार्स को जमीन पे रखो और मुर्गा बन जाओ। अरे देख क्या रहे हो, मुर्गा बनो, मुर्गा बने रहो और कूदो। वो सब तो ठीक है कर्नल साहब, लेकिन इस तरह तुम उन्हें मुर्गा बनाओगे तो वो लोग भाग जाएंगे ना। वैसे भी जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन की है 10 गार्ड भाग चुके हैं। देखो ये तुम्हारा फौजी तरीका यहाँ नहीं चलेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी की ड्यूटी छोड़कर तुम मेरे साथ ऑफिस में काम करो ना। आप चाहते हैं कि आपके नीचे कलम घिसाने वाला क्लार्क बन जाऊं मैं? यही तो बुरी आदत है तुम्हारी, हर बात का उल्टा मतलब निकालते हो तुम। इसी वजह से अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर चले आए। मिस्टर जोशी, डोंट गेट पर्सनल, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आया, वो मुझे छोड़कर भाग गए और अब मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन इस उम्र में तुम्हें कौन नौकरी देगा? अरे ऐसी 50 नौकरियां छोड़ चुका हूँ मैं फौज से निकलने के बाद। ए आधा गिलास मेरी सैलरी का पूरा पैकेट घर पे पहुंचा देना। गुड लक। सर कौन रहेगा इसके साथ? किसी भी ग्रुप में ये बुड्ढा एडजस्ट नहीं होगा। मुश्किल है। प्रिय कर्नल पुरी, 26 मार्च को चाइना गेट बटालियन मेरे घर पर मिल रही है, खास वजह है आपका कृष्णकांत पुरी। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, गीत गा ले तो जीवन सफल। भैंस के साथ डुएट गाना बंद कीजिए और जल्दी लाइए दूध। हाँ बहू। जल्दी कीजिए। ये लो दूध। वो क्या है बहू? किताबों में पढ़ा है संगीत सुन के जानवर कुछ ज्यादा ही दूध देते हैं। पढ़ाई करने के वक्त तो आपने पढ़ाई की नहीं, उस वक्त तो आप फौज में भर्ती हो गए और वहाँ भी मौज मस्ती करके वापस आ गए, अब चले हैं पढ़ाई करने। राम राम पांडे जी, कहिए क्या हो रहा था? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। और तिवारी जी, नई ताजी खबर क्या है? खबर क्या है, अखबार खोलो, अंधकार ही अंधकार है ना। पता नहीं इस देश का क्या होगा, इस कंट्री का फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आता तिवारी जी। कंट्री के फ्यूचर को बाद में समझिए, पहले जाइए मुन्ने का बस्ता सिलवा कर लाइए। जी करता है,
रोज रोज की झाए झाए से कहीं दूर भाग जाओ मुन्ना। कैसे आप फौज से पीठ दिखाकर भागकर आए थे? बेटे ये तुमसे किसने कह दिया? मम्मी ने। राम राम पांडे जी, 17 साल में पहली बार आपको किसी ने खत लिखा है। हाँ चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार। पता नहीं किसने लिखा है। विल पावर एक बात है और बॉडी कैपेसिटी दूसरी बात। मेरे लिए दोनों एक ही बात है डॉक्टर, थैंक्स फॉर द कंसर्न, मगर हॉस्पिटल में मेरा दम घुटता है। मेजर गुरुंग, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ नहीं भूला हूं डॉक्टर, सब कुछ याद है मुझे। ईश्वर ने मेरे मुकद्दर में जितने दिन लिखे हैं वो हर दिन मैं जीना चाहता हूं, और उसके लिए हॉस्पिटल के बिस्तर की नहीं बल्कि चैलेंज की जरूरत है। हो सकता कि ये खत उसी चैलेंज का बुलावा हो। अरे जिगर आजा। अरे साला पैसा मांगता है मेरे से। अरे एक तो जुआ में चीटिंग करके मेरा सारा पैसा लूट लिया, ऊपर से पैसा मांगता है। अरे तेरा ये टूटा हुआ क्लब क्या है? तेरा खाता तो बड़े बड़े क्लबों में चलता है। अरे बहुत इज्जत करते लोग मेरी। किधर गया? ये देख, दूर दूर से लोग मेरे को बुलाते हैं खास काम करने के लिए। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? क्या बक रहे हैं आप? बड़ी गुप्ता जी, समझने की कोशिश करो, नी बात धंधे की है। ये लोग जो आपकी प्रॉपर्टी हत्याने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। हाँ, और इनको सारी डिटेल आपको तो मालूम है, आपके भाइयों ने दी है। यही तो रोना है, जिंदगी भर सब कुछ उनके लिए किया, वही मेरे खून के प्यासे बने हुए हैं। हाँ बड़ी, इसी को कहते हैं नी कि घर का भेदी लंका ढाए। बड़ी समझदारी इसी में है कि चुपचाप ये जगह उनको दे दो, कम से कम जान तो बची रहेगी नी। ये देख रहे हैं आप? बड़ी ये क्या है? ये वो चीज है जो लाखों करोड़ों रुपए में भी हासिल नहीं की जा सकती। बड़ी जरा देखे। ये मेडल फौज में उन लोगों को मिलता है जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, समझे? तो आपको हमारा मतलब है फौज से निकालने पर भी दिया जाता है क्या? आप जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं ये अपनी जमीन सरकार को मुफ्त में दे दूंगा स्कूल बनाने के लिए, पर उन बदमाशों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। बड़ी गुप्ता जी, आप जाइए यहाँ से। ठीक है सर, ये लेटर आया है। मैं लाइन में पहला हूँ, सब गवा रहे ना, मैं सबसे पहले लाइन में हूँ, कोई लाइन नहीं तोड़ेगा, कोई उसके खिलाफ नहीं जाएगा। आप पीछे हटो, अरे बस आ गई, हट रहे पीछे, मैं पहले रहूंगा, मैं लाइन में पहला हूँ। अरे छोटे, अरे अरे क्या करा ले, अरे हट रहे, अरे हमले कपड़े हो गए, अरे मैं लाइन में पहला हूँ, अरे मेरा हाथ टूटेगा, अरे क्या कर रहे, अरे तो मेरा खत आया है, बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे कोई बस रोको भाई, हाथ लाइन में लगा रहो, सुबह से लाइन में लगा हुआ हूँ। मैं लगा हूँ कि नहीं लाइन में? तू कब आया? अभी आया। अभी आया? तू कब आया? अभी आया। तू कब आया? अभी आया। अरे सुबह से लाइन में लगा हूँ, 3 बसें चली गई, मेरा नंबर नहीं आया ना। अरे हट हट, मेरा नंबर पहला है। अब बस आएगी, किसका नंबर पहला होगा? मेरा नंबर पहला, बस बस आ गई, बस आ जा। फिर वही, वो सौ का नोट किसका है? सौ का नोट किसका है? नोट किसका है? सौ का नोट ढूंढते रहो शाम तक। धरती कुमार पांडे सर। रमैया कैसे हो भाई? ठीक हूँ सर। सर मिलिए जिगरदास गुप्ता। जिगरदास गुप्ता मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ है ये। हेलो कर्नल, इसका कुत्ता किधर भी जाएगा। कर्नल के पूरी, कैसे हैं आप? ये आलिया किशनकांत। ठीक हूँ जी, चंगा है ना जी? एकदम फिट दिखाई दे रहे हो कर्नल, अपनी तो कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो गई। भाई मेजर गुरुंग को देखो, लगता है नया रिक्रूट आया है। He's fit. With all respect to the seniors, उम्र का तो बिल्कुल ही असर नहीं दिखाई पड़ता इन पर। भाई हमारे साथ रहोगे तो आपको भी बिल्कुल फिट कर देंगे। नरम कर दी। बैठिए बैठिए। अबे I must say, इतने साल बाद सबको एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। रविया बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। जेंटलमैन कम इन।
कौन है आप? यस सर, सर वो इनविटेशन आया था। सॉरी, मैंने आपको कोई इनविटेशन नहीं भेजा। बट सर मेरे आप अंदर कैसे आ गए? हाँ, बिना पूछे अंदर कैसे आए आप? बट सर मेरे बाहर वो, चलिए बाहर चलिए, आपको पता नहीं है प्राइवेट मीटिंग चल रही है, निकलिए। सर मैं वो मेजर टंडन का बेटा हूँ सर मैं। What? Major Tandon? Wait, Darshan Kumar Tandon? Idhar aao, idhar, idhar aao, idhar aao, idhar aao, idhar aao. Oh, jeete raho, jeete raho. Tera naam kya hai? Udhitanshu. Huh? Udhitanshu. Udhitanshu. Udhanshu, Udhanshu. Bhai, wah. Bhai, tere daddy, wah, kya baat hai unki. छह गोलियां खाकर भी वो लड़ते रहे, मैदान नहीं छोड़ा। अच्छा, वो खुद क्यों नहीं आए? ओ सर, छह महीने पहले वो बाथरूम में नहा रहे थे और पैर फिसल गया और कमोड से सर टकरा के वहीं डेथ हो गई उनकी। कमोड से? कमोड से टकरा? We are sorry to hear that. Make yourself comfortable. Oh no. Sorry, बेटा, very sorry. Well, gentlemen, मैंने एक मिशन हाथ में लिया है। मैं चाहता हूं आप सब इस मिशन में मेरा साथ दें। देवदुर्ग में जगीरा ने आतंक मचा रखा है। लूटमार और कत्लेआम इतना बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मेरी एक भतीजी जो देवदुर्ग में ही रहती है, उसने जगीरा का मुकाबला करने के लिए मुझसे मदद मांगी। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मजबूर लोगों की जान और खुददारी की हिफाजत करना भी एक फौजी का धर्म है। मिशन है जगीरा को पकड़कर देवदुर्ग को उसके आतंक से आजाद करना। आपका मतलब है जगीरा वो जंगली डाकू? सर, उसका असली नाम जगवीरा है। बहुत खतरनाक डाकू है सर वो। चार स्टेट की पुलिस मिलकर उसको नहीं पकड़ पा रही सर। आप उसको पकड़ना चाह रहे? उसको? मैं चाहता हूं हम सब मिलकर उसे पकड़ें। किशनकांत, तुमने हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? कर्नल पुरी, मैं चाहता हूं कि इस मिशन के जरिए ही हम... This is not a mission, Colonel. It is a suicide. बिल्कुल। आपका मतलब है सर, इस उम्र में जाके डाकुओं के साथ हम लोग हुतुतुतु खेलेंगे? सर, अगले दो तीन दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है, कुछ भी शुरू करो ना तो अच्छा ही रहेगा। सर, मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता हूँ मैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस मिशन में कोई तुक नहीं है। लोग हंसेंगे हम पर। और हम इस लफड़े में क्यों पड़े? What are we going to gain out of it? अरे, ऐसी प्लानिंग तो वही कर सकता है जो आधा पागल हो, और जो इस पर अमल करे वो पूरा पागल। Yes, you're right, sir. ये आप लोग कह रहे हैं जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जो मिलिट्री स्किल्स में माहिर हैं, ग्रेनेडियर, गनर, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, प्लानर, शार्प शूटर। हाँ हाँ, वो सब थे, लेकिन 17 साल पहले। उम्र का भी कोई तकाजा होता है कृष्णकांत। आज इन सबकी तरफ देखो, इनकी हड्डियों में जंग लग गया है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, दो कदम चलते ही सांस फूल जाती है, अब वो बात नहीं रही। ये देखो। सॉरी सर। हो सकता है हमारे बदन में अब वो शक्ति न रही हो, लेकिन हमारे पास हौसला है, अनुभव है। कर्नल साहब, ये हौसला, ये अनुभव हम सब में तब भी था, लेकिन क्या सिला मिला हमें? आर्मी हेडक्वार्टर्स ने हम सबको एक ही झटके में। We have not come here to discuss the past. And I repeat, वो सब दोहराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सीओ साहब ने हमसे एक मदद मांगी है, हमें सिर्फ ये फैसला करना है कि हम इनके साथ हैं या नहीं। That's all. I'm sorry. कर्नल, तुम्हें अंदाजा भी है कि सारे मिशन पर कितना खर्च आएगा? कहां से लाएंगे वो पैसा? मैंने सोचा आप इसमें हमारी मदद करेंगे। क्या मैंने कोई खैरात खाना खोल रखा है? मैं कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहा हूं। कौन लौटाएगा वो पैसा?
जगीरा को पकड़ने का इनाम है 1,26,00,000। 1,26,00,000। मिशन का खर्चा निकाल के और मेरा इंटरेस्ट काट के सबके हिस्से 10,00,000 रुपए से ऊपर आएगा। 10,00,000? अरे जगीरा के इलाके में घुसते ही 10,00,000 टुकड़े हो जाएंगे तुम लोगों के। 10,00,000 टुकड़े? वाह कृष्णकांत वाह, बहुत बढ़िया भाई, मान गए। क्या आइडिया है तुम्हारा? तुम अपना ये आइडिया किसी फिल्म प्रोड्यूसर को सुनाओ, वो इसके ऊपर कोई अच्छी सी फिल्म या कोई टीवी सीरियल तो बना ही डालेगा और शायद तुम्हें भी उसमें एक्टिंग करने का चांस मिल जाए। मशवरे के लिए शुक्रिया कर्नलपुरी। मिशन परसों सुबह 7 बजे शुरू होगा सेंट्रल स्टेशन। ओ छाड़ी यार, मत मारी गई है तेरी, तनु समझ नहीं आंदी? ये तू हल्ले तक भी उस मिशन वासे सीरियस है ना, तो मैं समझागा कि तू पूरी तरह पागल हो गए हैं। चलो यार निकले इस पागल खाने से, चलो आओ। अरे आओ ना, आओ ना। चलो जी किशनकांत, हम यूनाइटेड होटल जा रहे हैं डिनर के लिए, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तो तुम भी वहां आ जाना। हाँ मिशन ड्रॉप नहीं होना चाहिए सिंह साहब, मैं आपके साथ हूँ। मिशन ड्रॉप नहीं होगा मेजर गुरु, अब तो हम दो हैं। दो नहीं, 3 सर, 4 सर। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं भी आपके साथ मिशन पर जाना चाहता हूँ सर। आई अप्रिशिएट योर जेस्चर यंग मैन, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तुम पर है। सर उसका इंतजाम हो जाएगा सर, और सर मैंने 3 साल एनसीसी ट्रेनिंग ली है सर, मुझे राइफल चलानी आती है, पिस्टल चलानी आती है। बच्चे हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। सर मेरे पास सर्टिफिकेट है सर। तो तुमने 3 साल तक एनसीसी की ट्रेनिंग ली है? यस सर। तुम्हें ऑर्डर्स लेने आते हैं? ऑफ कोर्स सर। सो नाइट डायनेमो डेटन सामने देख। सर 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 सर, आपने सरफराज को नहीं बुलाया? लिखा तो उसको भी था पर पता नहीं। सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बुलाएं और वो ना आए, या तो उसे चिट्ठी नहीं मिली या फिर वो किसी मुसीबत में है। तुझ पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी हरामजादे, मेरी पीठ के पीछे मेरा गैराज बेचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? समझाएगा? समझाएगा मुझे क्या? समझाएगा मुझे मेरी जिंदगी भर की पूंजी को हड़प कर? मेरी बेटी की शादी सर पर है, उसी के सहारे मैं उसकी डोली उठवाना चाहता था हरामजादे, और तूने मुझे मेरे भाई को पैसे लौटाने थे। तू मेरे भाई को जानते हो? गफूर भाई ग्रेनेड वाला। गफूर भाई ग्रेनेड वाला? कल तक अगर मेरे गैराज के कागजात मुझे वापस नहीं मिले, तेरी सारी हड्डियां ऐसे तोड़ डालूंगा, समझा? आओ सरफराज आओ। भाई सरफराज तुम अपनी बेटी की शादी की चिंता तो बिल्कुल छोड़ दो, वो तो गफूर भाई ग्रेनेड वाला करा देगा अपने किसी भी छोकरे से। क्यों भाई तू करेगा? क्यों नहीं दादा? अरे शाबाश, ले आओ उसकी बेटी को। सरफराज एक भी कदम आगे मत बढ़ाना वरना तेरी बीवी की गर्दन कट जाएगी। भड़कता क्यों है सरफराज? छोकरा पसंद नहीं है तो दूसरी शादी करा देते हैं। हरामजादे मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना वरना। वरना क्या? क्या मेरा हाथ भी तोड़ेगा? Yeah.
सरफराज, मैं चाहूंगा तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर में रहो। ये घर काफी बड़ा है और यहां रहने वाला कोई नहीं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकते हो। और अगर मैं मिशन से कामयाब लौटा तो बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे। सर, हम कब निकल रहे हैं? देर हो गई भाई साहब। अरे बहन जी है? अरे भाई साहब देवदुर्ग जाने वाला प्लेटफॉर्म कौन सी गाड़ी पे खड़ा है? वही प्लेटफॉर्म, देवदुर्ग नहीं जाता। अरे हवला गाफला कहीं का। अरे टाइम क्या हुआ? अरे भाई साहब आपकी बजी में कितना खड़ा है? नौने पौ। अरे क्या है? अरे आप सर, आप यहाँ? देवदुर्ग जा रहा हूँ। मुझे मालूम था सर, लेकिन कोई गाड़ी देवदुर्ग नहीं जा रही ना। जमालपुर तक जाती है, उसके बाद बस से जाना पड़ता है। अच्छा हुआ सर आप मिल गए, एक से भले दो, दो से भले चार। और आप मिल गए? मैं तो बहुत डर रहा था, मैं तो समझ नहीं पाया क्या कहूँ। मैंने सोचा कह दूंगा, मंदिर गया था सबके लिए पूजा करने। और आप भी कुछ सोच के रखिए सर, पता नहीं। ठीक है, तुम यहाँ? अरे रमैया, आप लोग कहाँ? आप लोग कहाँ? हम लोग तो वहीं। हम लोग भी वहीं। मैंने कहा था ना, दो से भरे चार हो गए। चार सबके नाम की बुकिंग की है सीओ साहब, आपने कैसे सोचा कि सब लोग आएंगे? आइए आइए गुप्ता जी। अरे सरप्राइज, तुम भी? क्या हाल है गुप्ता जी? गुड टू सी यू। सारी रात बैठकर क्या खर्चा होगा इसका कैलकुलेशन किया था, अब सब गड़बड़ हो गया ना। ओ, दोबारा कर लेंगे कैलकुलेशन। और एक बात, वहाँ पहुँचकर सबको कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पड़ेंगे। हाँ, आपका सामान में ले चलता हूँ। इतना बोला नहीं हो गया हूँ यार। जाने जवान। और कैसे हो? क्यों, आप लोग आने वाले नहीं थे ना? अरे कैसे नहीं आने वाले थे, आने वाले थे ना, मगर क्या करें, कर्नल पुरी की आवाज इतनी जबरजंग है कि उनकी आवाज के पीछे ऑटोमेटिकली आदमी चलने लगता है, टक टुक टक टुक। ओ, तो आप लोग आ गए? आ गए। अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। मान ली? किशनकांत, वैसे तो मैं तुम्हारे इस मिशन से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आखिरी वक्त पर तुम्हें हमेशा मेरी सलाह की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं चला आया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। एक्सक्यूज मी सर। आओ माँ, मेरी माँ आपसे कुछ बात करना चाहती हैं सर। नमस्ते। ओ भाभी जी, मेरी बहन जी, भाभी जी। भाभी जी, आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आपके हाथ के बने हुए परौठे भाई साहब जरूर खिलाते रहे हैं। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप उदित को भी अपने साथ मिशन पर ले जाएं। आपके साथ रहेगा तो अपने पिता की तरह बहादुर बनेगा जी। और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जरूर भाभी जी, अपना ही पुत्र है ये तो। किशनकांत, उदित तुम्हारे साथ ही चलेगा। थैंक यू सर। अरे कलावती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वहाँ दर्शकों की भीड़ लगी है और तुम यहाँ खड़ी हो? ए, करो। मेरी माँ से ऐसे बात करता है? चुप। तेरी माँ कैसी? ये तो मेरी बीवी है। अरे ऐसे मिल रही है? अरे पैसे तो वहाँ भी मिलने हैं। उदित कौन थी ये? ओए हरामखोर, किसके पांव पड़वा दिया तूने मुझे? सर नाटक वाली है, पैसे देके लाया था। चुप। सर मैं आपके साथ आना चाहता था, मगर कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगा। अरे तू कैसे नहीं आएगा, तुझे हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। हा? तुझे सबक सिखाता हूँ अच्छी तरह से, सबका सामान उठाना पड़ेगा तुझे। चल उठा, उठा। चल चल उठा। यस सर। सामान उठाओ। यस सर। पीछे मोड़। यस सर। चल। ओ सर, बड़ा बदमाश है, किसी बकवास औरत के पांव पड़वा दिया मुझे। किशनकांत, सरफराज को भी बुलाया तुमने? सरफराज, वेलकम वेलकम। अच्छा किया जो तुम आ गए, किशनकांत ने तुमको भी नहीं छोड़ा। मिशन का कुछ होना तो है नहीं, सैर सपाटा करके आ जाते हैं और क्या। ये भी चलेंगे साथ में? बहुत पकाएंगे सर, ड्रॉप करवाने। हाँ ड्रॉप करो, मैं भी इसे यही समझा रहा था कि मिशन को ड्रॉप करो, इसका कुछ होने वाला नहीं है। सरफराज तुम ही समझाओ ना इसे। सर सर, मुहूर्त बहुत अच्छा है सर, मिशन को कुछ नाम दे दीजिए ना सर। यस सर। चाइनागेट। अरे फिर से चाइनागेट? हाँ हाँ सर, अच्छा है, अच्छा है। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है सर। राइट सर। आप कहना क्या चाहते हैं? चाइनागेट।
ठीक है, खजमानो खाओ, चाइना गेट तो चाइना गेट। हाँ, हाँ। अरे शुरू तो हो। अरे अब गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, चलाओ। कंपार्टमेंट है और जिगर, ये 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 जॉन आ जाता तो टीम पूरी हो जाती। बराबर ठीक है, जॉन आ गए भाई। लो आ गए सॉरी यार, अरे वो तो ठीक है, पर तुम कुत्ता क्यों लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है, या कुत्ता जाएगा या मैं जाऊंगा। कुत्ता जाएगा। कौन बोला ये? कौन बोला? कौन बोला भाई? करियो छोड़ो मुझे। उस दिन फॉरेस्ट दरोगा की मौत पे बहुत अंट संट बकरा था। जंग जारी रखेगा, बदला लेगा। अरे अगले ही दिन तेरी खपड़ी उड़ा देता, तो सरकारी कुत्ते ही नहीं होते। अरे आप मुखिया गोपीनाथ, गोपीनाथ डाकू ने चारों तरफ से घेर लिया है, वो तुम्हें बुला रहे हैं, नहीं तो हम सबको। देखो वो लोग 50-60 से ज्यादा नहीं है, हमने एक आवाज लगाई तो हमारे 100-150 जवान तैयार होंगे, भिड़ जाएं। नहीं लेकिन क्या, कैसे? पर अब क्या करें? अरे वो भी तो मुखिया मार आता है या नहीं? और तो बच्चों को खेच खेच के काटना शुरू करूं। मैं चलता हूं लक्ष्मी। लक्ष्मी ये परीक्षा की घड़ी है, हमें हिम्मत करनी चाहिए, चलो मुझे। बाबा मैं भी आपके साथ चलूं? बाबा नहीं बेटा, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। लक्ष्मी शिवा को सिपहिया बनाना। सबर करो मिलेगा। ए! अरे कितनों से क्या बात कर रहा है, मुझसे कर जेब बात। हाँ जेब बात। अरे एक एक करके सामने आ, सबको देख लूंगा। कोई नहीं मारेगा इसे। वाह, अरे एक ही तो मर्द मिला है रे इस गांव में। वाह मुखिया वाह, अरे तूने जिगरा खुश कर दिया। वाह अब मजा आएगा लड़ने में, अब होगा मुकाबला बराबरी का। अकेले लड़ने की बात कर रहा था मुखिया, फिर अपने बिटवा को साथ क्यों लाया? चुआ खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। हमसे ना भिड़ियो। अरे धीरे चलाओ, तूफान मेल करो, ये ऐसे ही चलेंगी। तुम्हें अरे भाई संभाल के, उससे कहा होता तो मैं अपनी बस ले आता। इस खटारे से पहुंच पाएंगे कि नहीं? अब पहुंच भी गए तो लड़ने के काबिल नहीं रहते ना सर, अंजना पंजना ढीले हो गए सर, मैं गुइया 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 हो रहा। मुझे तो लगता है किशनकांत बहुत जल्दी ये बस किसी खाई में पड़ी मिलेगी। क्यों डरा रहे सर, हम भी खत्म और मिशन भी खत्म। ये सारे रास्ते दिमाग खाता रहेगा, अभी भी वक्त है, बस रोकिए, उतार दीजिए गंजे को। सर ये पराठा लीजिए, असली की का है, लीजिए। थैंक यू। सर एक और लीजिए।
क्या किया आपने? वही जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए। अरे ये सर गाड़ी रोकिए, इन्होंने हमारा बनाना ही फेंक दिया, अब मैं खाऊंगा क्या? ये हरी सब्जी और सलाद खाओ। ये क्या है? मैं कोई गाय बकरी हूँ जो सब खाऊंगा? बैल तो हो। मैं जाता हूँ। अरे खिड़की उधर कहाँ जा रहा? अरे चुप रहो, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, ये चर्बी वर्बी सब निकल जाएगी। क्या कर रहा है? उठो उठो सर, सर देखो ना, सोचो सोचते पेशाब कर दिया, मेरा पैन गिर गया सब। पेशाब खिड़की का बाहर करने को नहीं होता है। दारू दारू मेरा गिरा दिया, बोलता मेरा पेशाब किया। काम करो ने, अब मिशन तक के लिए दारू छोड़ दो ने। अबे तेरे बाप की पीता हो, दारू छोड़। बाप ले नहीं, बाप ले, बाप। ए रमैया ए गोली खाओ, तुम्हारा उल्टी बंद हो जाएगा। नहीं आपकी गोली नहीं खाऊंगा, जागीरा की गोली खा लूंगा मैं। क्यों? अरे आप चक्कर की गोली दिए तो मुझे उल्टी शुरू हो गई, अब उल्टी की गोली देंगे तो न जाने क्या क्या शुरू हो जाएगा। अरे गाड़ी, अब तुम क्या कहना चाहते हो? सिपाहिया को छोड़ के पहिया जा रहा देवदुर्ग। कर्नल साहब, हमें इतना ऊपर चढ़ने की मनाही है, हमें जरा वो लटका वो है ना, कोई और रास्ता नहीं है क्या? न जाने ऊंचे ऊंचे पहाड़ काय को बना डाले ऊपर वाले ने, सीधी सीधी जमीनें ठीक थी ना। चलना भाई। ओ सर जी, मैं आ रहा हूँ, आप भी कर लेना। आ रहा हूँ। जंग की शुरुआत हो चुकी है, हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा। गांव में कोई नहीं जानता कि हम यहां क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है। इस मिशन में हमारी सबसे बड़ी ताकत है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यू आर राइट सर, अगर जगीरा ने दोबारा हमला किया तो हम काउंटर अटैक करके उसे पकड़ सकते हैं। सीओ साहब, जगीरा के इंतजार करने के बजाय क्यों ना हम उसके मूवमेंट का पता लगाकर उस पर अटैक कर दें। बिल्कुल सही है सर, जहां तक हो सके हमें यह लड़ाई गांव के बाहर लड़नी चाहिए ताकि गांव वालों की जान और माल को खतरा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हमें होशियारी से गांव वालों से जगीरा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए, जैसे कि उसके पास कितने आदमी हैं, कैसे हथियार इस्तेमाल। नहीं सर, गांव वाले इतनी दहशत में हैं, वो कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर जीते क्यों हैं? लानत है ऐसी जिंदगी पर, खुद अपनी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते, दूसरा कोई इनकी मदद करना चाहता है तो उसका साथ नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को जगीरा लूटता है तो ठीक ही करता है, बुज़दिल कहीं के। हाथ में बंदूक लेकर अपने आप को बहादुर समझना उतना ही आसान है कर्नल पुरी, जितना किसी ने हत्थे को बुज़दिल समझना। इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है, अपने बीवी बच्चों की, अपने घर परिवार की, और ये जिम्मेदारी अच्छे खासे इंसान को भी तोड़ मरोड़ के रख देती है। बुज़दिल नहीं है ये, जिल्लत और लाचारी की जिंदगी जीते हुए भी अपने परिवार को चलाने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इनका ये दर्द और मजबूरी सिर्फ वो समझ सकता है जिसने ये जिम्मेदारी कभी निभाई हो। ऐसे मजलूमों पर अगर कोई जुल्म करता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। यहाँ तलवारें नहीं चल रही हैं सरफराज, जगीरा को पकड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। तुम लोगों को खून खराबे की सवा कुछ सोचता ही नहीं कर्नलपुरी? तुम लोगों के खून में कर्नलपुरी? नहीं नहीं, कहने दीजिए सर, कहने दीजिए, हमें ये सब सुनने की आदत है। कहिए कर्नल पुरी। कुछ नहीं कहना मुझे। कहिए ना। नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। अरे कहिए ना, हम लोगों के खून में ही ऐब है, बचपन से ही मारपीट सिखाई जाती है, गद्दी पर बैठने के लिए बेटा बाप का खून कर देता है, भाई भाई को मार डालता है, यही कहना चाहते हैं ना? ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। इतिहास को छोड़कर हम आज की बात करें कर्नल पुरी। आइंदा इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। सीओ साहब, आपके प्लान के मुताबिक
प्लान नंबर वन और प्लान नंबर टू के बीच में जो डिफरेंस है। लाली तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाचा ने कहा कि शहर से लोग आए हैं, उनको खिलौने बेच देना। लाली के माँ बाप को जगीरा ने मार दिया, अब ये अपने चाचा के साथ रहती है। जा लाली, या किसी को खिलौने नहीं चाहिए। एक खिलौना ले लीजिए ना बाबूजी, बहुत सुंदर है। हमने कहा है ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। कर्नल ठहरो बेटा, जरा दिखाना तो खिलौने। वाह तो बहुत ही अच्छे हैं भाई। मैंने बनाए हैं। अच्छा बड़े अच्छे हैं। कितने के? सिर्फ 5 रुपए के। सब या एक? सिर्फ एक। अच्छा तो ये लो। कौन सा लूं? ये हाथी ले लीजिए, सबसे ताकतवर है। अच्छा ला। 3 रास्ते हैं जहाँ से जगीरा गांव के अंदर आता है। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। अगर हम रास्ता नंबर 1 और 3 बंद कर दें तो सिर्फ ये रास्ता रह जाता है नंबर 2, जिस पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। Let me see. करनलपुरी, रमैया, बिजोन, डीके सर, आप लोग गांव और उसके आसपास के इलाकों का मुआयना करेंगे। यस सर। मैं घनश्याम सर और एमडी। यस कर्नल। आप लोग रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 3 को ब्लॉक करने की प्लानिंग पर काम करेंगे। राइट सर। मेजर गुरुंग जी साहब, आप इन पहाड़ियों के उस पार के इलाके का जायजा लेंगे। जी सर। मैं मेजर गुप्ता और मेजर सरफराज कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। सर। और मैं सर? तुम किचन संभालो, जाओ। किचन? सर मेरी 3 साल की, जाओ जाकर खाना लगाओ। चलिए। खाना बन ही रहा है, मैं बनती लगवाती हूँ। बिटिया मेरे खाने में मसाला जरा कम डालना, मुझे मसाले की मनाही है। अरे नहीं बेटी, इनकी बात मत सुनना, खाना खूब चटपटा बनाना और तड़का भी लगाना। अच्छा। और सुनो मेरे खाने में तेल कम और थोड़ा घी ज्यादा। ए रमैया, मेरे लिए हरी मिर्ची और पुदीने की चटनी जरूर रखवाना। हम लोग किसी होटल में नहीं आए हैं, घर में जो कुछ बना है वही सब खाएंगे, और यहाँ कोई किसी को ऑर्डर नहीं देगा, सब अपना काम खुद करेंगे। क्या इस मिशन में हम सब बराबर हैं? तुम्हारा मतलब है कि मैं और रमैया बराबर हैं? हाँ कर्नल, इस मिशन में हम सब बराबर हैं। थैंक यू सर, इस मिशन में हम सब बराबर हैं। हाँ भाई चलो उठो, यहाँ सब बराबर हैं। चलो चलो खाने की लाइन में लग जाओ। लग जाओ। ऑर्डर भी लीडर ही देवे तो अच्छा रहेगा। किसने कहा ये? अरे 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 सर्कस जोकर, ये भालू। अच्छा 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 बाबा, अभी अभी तो आए हैं, बाद में क्या दिखाएंगे। ए चलो भागो यहाँ से। चलो बिजोन, तुमसे कहा था कि ये कुत्ता साथ में लेकर मत आओ। जिगर है। और ये क्या टोपी पहन रखी है आपने, बंदर दिखते हो। अच्छा। ओ साहब बच्चे थे, जरा मजाक कर ले रहे थे। क्या कहना चाहते हैं आप? कर्नल साहब, संध्या ने गांव वालों को यही बताया है कि हम लोग सर्कस वाले हैं। ये संध्या भी कमाल है, कुछ और बता दिया होता, सर्कस वाले बना दिया हमें। सर आप रिंग मास्टर लग रहे ना, हंटर भी हाथ में है। सर इधर चलते हैं। नहीं नहीं इधर जाएंगे। ये भी ठीक है? ये भी क्या ठीक है, ये ही ठीक है। चलो चलो। यस सर। कैसी हो लाली? अच्छी हूँ। तुम खेलने नहीं गई? मैं खेल नहीं सकती, मैं दुकान चला रही हूँ ना। हाँ? चाचा ने कहा है कि रोज 20 रुपए लेकर ही आना। अच्छा तुम्हारे चाचा काम नहीं करते? चाचा काम करते हैं, आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, पहले भी खिलौना खरीदा, आज भी खरीदने आए। आपके पास ये हाथी है, ये घोड़ा ले लीजिए, बहुत तेज भागता है। अच्छा। हाँ। और कितना सामान लेना आपको? अभी तो बहुत सामान बाकी है, रायदुर्ग जाना होगा। रायदुर्ग? वो कहाँ है? यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 का? सुनिए डाकू पकड़ने आओ। सॉरी मैं डाकू पकड़ने आऊँ यहाँ? तो आप नहीं चलेंगे? चलिए शौक से चलिए,
आपको तो फ्री कुली मिल गया यहाँ पर। लेकिन मैं आपको कुली नहीं समझती। हाँ लेकिन वो फौजी लोग तो समझते हैं ना। देखा नहीं क्या काम दिया मुझे, किचन डिपार्टमेंट। चलो मेरे साथ जल्दी। अरे अच्छे खा रहे थे। और देखिए सर क्या कर रहे हो तुम? अरे जरा मालिश करा रहे थे। अरे मालिश को गोली मारो, इधर आओ। रमाया यस सर। जल्दी नीचे आओ। यस सर। वहाँ से नहीं गया। कनरपुरी क्या हुआ गुरुंग, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर मैंने डाकुओं को देखा है। डाकू आ गए। अच्छा मौका है, अच्छा हम उन्हें जिंदा पकड़ सकते हैं। जिंदा? लेकिन हम लोग के पास तो भी हथियार। अरे जितने हैं उतने ही ठीक है, चलो जल्दी करो। क्या मुसीबत है? क्या कहा आपने? नहीं मैंने कहा अभी खाना वाना खाया है, चलते हैं। चलो चलो, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी कीजिए। मैं कह रहा था सर। क्या कह रहे थे तुम? मैं कुछ नहीं। चुप रहो, चुप रहो। चलो जिगर कुत्ता नहीं चाहिए। चले दुश्मन उस पहाड़ी के पीछे, उसके पास। तुम लोग साए की तरह मेरे साथ साथ रहना, कोई हल्ला नहीं करना। ये हमला अचानक होगा और जब मैं पहली गोली चलाऊं तो मुझे कवर करने के लिए तुम लोग गोलियों की बौछार कर देना। कम से कम एक डाकू, आई रिपीट, एक डाकू हमें जिंदा पकड़ना है। और जब तक पहली गोली नहीं चले कोई आवाज नहीं करेगा। क्या हुआ? चुप, चींटियां काट रही हैं। अरे तो क्या हुआ? अरे लाल चींटियां है ना, अंदर चल रही हैं, काट रही हैं अंदर। कोई शक, कोई सवाल करना पड़े। ठीक है तुम चलो, हम कर लेंगे। चलो लेट्स गो। बैड शॉट, निशाना घोड़े पे लगाया था, डाकू को जिंदा पकड़ना चाहता था। अरे गुरुंग ने जहां से अटैक करने का प्लान बनाया था वो जगह ही गलत थी। हम तो लगातार फायरिंग कर रहे थे लेकिन वो रेंज से बाहर थे। अगर मैंने प्लान बनाया होता ना तो तीन चार तो यहाँ बंदे पड़े होते। और उन तीन चारों को छुड़ाने के लिए जागीरा इधर आता, हम जागीरा को पकड़ लेते, मिशन ओवर, है ना सर? बिल्कुल। वैसे आज दोपहर को ना मुहूर्त अच्छा नहीं था, वरना क्या मजा लो हमारे हाथ से छूटते। नो चांस। बिल्कुल लकी थे सर वो, जैसे ही फायरिंग शुरू हुई ना भाग गए साले। जिगर होता तो झपट लेता। गुड लक अच्छा चल रहा था उनका। झूठ बोल रहे हैं ये सब। कौन देखा, कौन बोला? एक छोटा सा ढीला नहीं चढ़ सकते ये लोग, बूढ़ी औरत की तरह हाँफते रहते हैं। इन लोगों के ढीलेपन की वजह से आज मेरी जान जाने वाली थी। इन सब के लिए कुछ करना पड़ेगा सर। तुम्हारे ख्याल से क्या करना चाहिए गुरुंग? ग्राउंड पे कल सुबह 6:30 बजे सर। क्या 6:30? 5:30 बजे। I want everybody in the morning. That's all. Good, right, sir. Next.
जा। बिजोन पुश हिम, पुश हिम। भाग जा। अरे चलना डीके धरती के पांडे। कहना क्या चाहते हैं आप? तुम क्या कहना चाहते हो? बंदर मुझे। चल चल गुइया। आओ डीके, जल्दी करो। भागे। एक दो, एक, एक दो, एक, एक दो, एक, एक और थम। विश्व, आराम से। क्या बात है डीके? बोल रहा है सर। बात बताइए भाई। इतनी दूर से हम लोग मिशन के लिए आए हैं। जगीरा को एक आध गोली हम अभी मारेंगे कि और सही मार देंगे आप? भूल रहा है, पानी चाहिए, पानी, पानी तो भाई जी से कोई पानी नहीं पिएगा। अंदर डबल एवरीबॉडी। कैप्टन हायर और नीचे, कम ऑन, गो डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। मर गए। अरे मेजर, मेजर साहब एक बात तो बताइए। अरे गोली चलाना तो हम सब जानते हैं, जानते हैं ना? अरे फिर ये पहाड़ चढ़ना उतरना, ये सब ट्रेनिंग, ये ऊपर से नीचे कूदना, ये सब तो पहले कर चुके हैं हम लोग। ये सब करने से ही जगीरा को मार सकते हैं क्या? ये ट्रेनिंग जगीरा को मारने के लिए नहीं, उससे बचने के लिए दी जा रही है। चलो 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 भाई, अरे पाँव टाइट पकड़। अरे अरे भैया ठीक से चल। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बच्चा, शाबाश, कम ऑन। इधर से नहीं, उधर से है रमैया। ओ फास्ट जाओ। अरे 20, 29, 30, 31, 30। सर जल्दी चलते हैं। सर मैंने पता किया, भीमगढ़ में डाकू की बड़ी मूवमेंट है। और सर टाइम पे जाएंगे, जगीरा को पकड़ लेंगे सर। चलो उतरो नीचे। ये सर, ओ सर आप आगे बैठिए सर, मैं पीछे बैठूंगा। पीछे नहीं, अंदर। मैले कपड़े धोबी को दे देना, और बाजार तरकारी लेने जाओगे तो शकरकंदी और शलगम जरूर लेकर आना। शलगम और गोश्त खाने को बहुत दिल करता है। दे रहा है कृष्णकांत, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता। ए टकले कंडलपुरे, कमांड हिम्मत है तो बाहर आइए कंडलपुरे, ऐसी रे कंडलपुरे, कमांड हिम्मत है तो बाहर आइए कंडलपुरे, ऐसी रे कंडलपुरे, कमांड। आ गए। अरे साबूदाने की खिचड़ी हजम नहीं होती, शलगम गोश्त खाएंगे, क्या लगा रखा आपने? किचन में जाओ, सब्जी लाओ, तरकारी लाओ। अरे सब्जी तरकारी लाने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। मैं लड़ने आऊं। अगर फाइट। चल। क्यों? ओ छोड़ गए क्या? संध्या, अरे तू किन लोगों को लाए जगीरा को पकड़ने के लिए? अरे कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ये लोग तो खाना कम दवाइयां ज्यादा खाते हैं। जगीरा को पकड़ेंगे। अरे ये रिटायर्ड फौजी तो इनाम के लालच में यहाँ आए, लेकिन मैं अपनी जवानी दांव पर लगा कर आया हूँ जगीरा को पकड़ने के लिए। जब से होश संभाला तब से ही सुनता आ रहा हूँ, वो जरा डरपोक बाप का बेटा, वो जरा भगोड़े का बेटा, दोस्त भी मजाक उड़ाते थे, रोती रहती थी कोने में,
शर्म से बाहर नहीं निकलती थी। घर बदला, शहर बदला, अपने बाप का नाम लेना छोड़ दिया मैंने। सोचा था कुछ करके दिखाऊंगा, माँ के आंसू पोंछूंगा। आप लोग तो कुछ करने ही नहीं देते हैं, हमेशा टीम से बाहर निकाल देते मेरे को। अरे नहीं चाहिए मुझे आपकी टीम, बाहर में गई तुम्हारी टीम। मैं अकेला ही जगीरा को पकड़ूंगा, हाँ अकेला। और तुम्हारा मिशन चला गया, अब जा रहा हूं मैं जगीरा को पकड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अपना सामान ढूंढ रहा हूँ जी। कल रात की हरकत के बाद इन लोगों ने तो मुझे घर से बाहर फेंक दिया होगा। अब सामान कहाँ फेंका है वही देख रहा था। देखिए प्लीज आप मुझे गांव से बाहर मत निकालिए। जब तक मैं जगीरा को पकड़ नहीं लेता ना, मैं यही रह लूंगा। अब देखिए मैं किसी तबेले में रह लूंगा, इन भेड़ बकरियों में एडजस्ट कर लूंगा। प्लीज आप मुझको यहाँ पर रहने का एक मुझे लगता है कल रात की हरकत से ये लोग आपको अच्छी तरह समझने लगेंगे। अच्छा, और आपने क्या समझा? कल रात मुझे एक दोस्त मिल गया। दोस्त? ये ए उदित। ये सर, अभी तक नशा नहीं उतरा? यस सर, आई मीन नो सर, आई मीन सॉरी सर। जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ है। अच्छा, बदला लिया टकले ने, मुझे बरसात में खड़ा कर दिया और खुद छप्पर के नीचे बैठकर केले खा रहे हैं। ए! चारों तरफ देखो अच्छी तरह से। कहां गया सर? चारों दराज में देख लिया हमने, नहीं है वहां। बटवा मिल गया, लाइटर मिल गया, वो मेडल कहां गया? देखो उधर ठीक से। उदित तुम उस कमरे में देखो। यस सर। लगता है किधर तो भी रख के भूल गए आप, जरा याद कर लो यहाँ से कहाँ जाएगा सर। हाँ सर, परेशान मत होइए, मिल जाएगा। ठीक है, मेरी पूरी जिंदगी का हासिल है तो सिर्फ वो मेडल। सर मेडल मिल गया सर। ये कहाँ से मिला मेडल तुझे? ये मुझे उधर पड़ा मिला, शिवा के पास है सर। बेटे मेडल मुझे दे दो। साहब जी मेडल मैं मेरे पास रख लूं? मेरे पास ऐसे बहुत से हैं। अरे बेटा ऐसे मेडल बाजार में नहीं मिलते, इसके लिए सिपाहियों को जान की बाजी लगानी पड़ती है। बेटा दी शिवा साहब का मेडल। साहब मैं चाहती हूँ कि ये भी आप ही की तरह सिपाही बने, ताकि इसको भी ऐसे मेडल मिले। इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, इसे सैनिक स्कूल में भर्ती कर दो। सर आजकल डोगरा साहब सैनिक स्कूल के इंचार्ज है, अपने सीओ साहब के दोस्त भी है, उन्हें बोल दिए तो हो जाएंगे ना सर। ये लीजिए। ये क्या है? ये बिल है साहब, 65 रुपए 25 पैसे। अबे साले मेरे से पैसे मांग रहा है तो क्या कुत्ते से मांगू? ये ज्यादा टेटे नहीं करना मेरे साथ में। अरे लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, दूर दूर से लोग मुझे बुलाते हैं खास काम करने के लिए। हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ते हैं मेरे। हाँ कल पहाड़ी के पीछे 7 डाकुओं को किसने टपकाया था? मैंने नहीं टपकाया साहब, मुझे नहीं मालूम। मैंने टपकाया। मैं और मेरे साथी तुम गांव वालों को जगीरा से बचाने के लिए आए हैं यहाँ, उसे पकड़ने के लिए आए हैं यहाँ। जे बात बाप की खपड़िया उतार दी और बेटी हमारे दुश्मनों को पनाह दे रही है। अर्जुना जाके उन बड़ौल फौजियों के छितरा छितरा कर दे और खिला दे गिद्धों को, और उन छोकरी को लाके हियां बिठा। वो
गोलियां चली। ये तो रियल में गोली चल रहा है। सॉरी सर। अरे पोते से पुत्र अगर खड़ा नहीं हुआ जाता है तो सो जा जाके। ठीक है सर। ए बिजौन के बच्चे, जा जाके सीढ़ियों पे पोजीशन ले। क्या?
अर्जुना के घाव भरने से पहले हम उन फौजियों के सीना के छितरा छितरा करते हैं। मुंडवा वहाँ खतरा है सरदार, देवदुर्ग और रायदुर्ग को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। लगता है हमको पकड़ने के लिए ये पुलिस की चाल है सरदार। जे बात, तो जगीरा को पकड़ने की चाल बनाई है। अब हम भी देखेंगे तमाशा। पूरण मासी की रात में होगी अमावस्या। मैंने पहले दिन से ही आप सबको आगाह कर दिया था कि हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, कोई शराब पीकर सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है, हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। नौ सखियों की तरह लड़ रहे थे हम, शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को सिपाही कहते हुए। ये तो हमारी अच्छी किस्मत थी कि उनके लीडर को गोली लग गई और वो भाग खड़े हुए। अगर कुछ देर और टिक जाते तो यहां लाशें बिक जाती। मुझे माफ कर दीजिए सर, वो नीचे उतरते ही मेरे हाथ पांव जकड़ गए। बंदूक लेकर मैंने पोजीशन ली थी सर, पर मैं फायर ही नहीं कर सका। मुझे गलत मत समझिएगा सर, मैंने पूरी कोशिश की थी। वो अचानक इतने सारे गोलियों की आवाज सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे निकालिए मत सर, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मुझे कोई भी दूसरा काम दे दीजिए सर। सिर्फ एक ही काम बचा है तुम्हारे लिए डिकी, तुम अपना सामान बांधो और चले जाओ। और वैसे भी इस मिशन के लिए तुम जैसे बुजदिलों की कोई जरूरत नहीं। बस करो गुरुंग, बस करो, बहुत हो गया। कोशिश हम सब लोगों ने की थी, मुकाबला भी किया, अब इस बेचारे से कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? जान लोगे इसकी? मैंने सिर्फ इसे जाने के लिए कहा। हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी, फिर भी हमने गोलियां चलाई, मैदान छोड़कर भागे नहीं हम। इस उम्र में मेंटल ब्लॉक आ ही जाता है, हाथों पैरों में इतनी चुस्ती नहीं रहती भाई, फिर भी हम डटे रहे। मेजर गुप्ता, आप सब बुजदिल हो गए। यहाँ कोई बहादुर नहीं है गुरुंग, हम सब बुजदिल हैं, तुम भी बुजदिल हो। 17 साल पहले हमारे माथे पर लिख दिया गया था कि हम बुजदिल हैं। I told you not to bring up the past. पेपर में हमारे नाम छपे हैं गुरुंग। छपे होंगे मगर उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, सारी दुनिया जानती है कि मैदान छोड़कर भाग गए थे हम। अरे भगोड़े हैं हम। चाइना गेट मिशन के फेलियर के बाद से टूट गए हैं, जिस्म से ही नहीं दिमाग से भी अपाहिज। नॉट ऑल ऑफ अस, तुम नहीं तो हम हो चुके हैं। हम फिर से सिपाही नहीं बन सकते। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे दिमाग खराब हो गया था हमारा जो हम यहाँ पर आए। किशनकांत, तुम तो अपनी भतीजी की मदद करने के लिए यहाँ आए थे, हमें क्या पड़ी थी, फिर भी हमने सोचा कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए हम यहाँ चले आए। आज के काउंटर अटैक में भी गलती तुम्हारी थी, देयर वाज नो प्लानिंग एट ऑल। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्या समझ में नहीं आ रहा था कर्नल? सीओ साहब ने आपको ऑर्डर दिया था कि आप सरफराज को कवर करेंगे, दिया था ना? मुझे लगा गुप्ता को कवर करना चाहिए, उसकी जान खतरे में थी। कर्नल पुरी, आपका काम ऑर्डर्स पर अमल करना है, यहाँ हर आदमी की जान की जिम्मेदारी मेरी है। चाइना गेट मिशन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी कृष्णकांत, तब भी तुमने ऑर्डर दिए थे और हमने तुम्हारा हुक्म माना था, लेकिन तब हुआ क्या? लात मारकर हम आर्मी से निकाल दिए गए थे, दुनिया भर की जिल्लत बर्दाश्त की, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बहुत हो गया कर्नल पुरी, बस अब चुप हो जाइए। क्यों चुप रहूं? आज मैं बोलूंगा। 17 साल से अंदर ही अंदर घुट रहा हूं मैं, इस आदमी ने हमें बर्बाद किया है। कर्नल पुरी, आप शायद भूल रहे हैं, उस रात सबसे पहले नदी में आप कूदे थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये गलत है, झूठ है। आपने चिल्ला चिल्ला कर सबको कूदने के लिए कहा था, भागो भागो, अपनी जान बचाओ, चारों तरफ से गिर गए हैं हम। अगर आप खलबली ना मचाते, हम लोग वहीं रुकते और लड़ते और मर जाते, लेकिन ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं आई एम सॉरी कर्नल, उस रात भागने में पहल आपने की थी। जबान संभाल कर बात करो सरफराज, तुम कहना चाहते हो कि चाइना गेट मिशन मेरी वजह से फेल हुआ था? मैं बुजदिल था, मैं पीठ दिखाकर भाग गया था? अरे पीठ दिखाकर भागना और पीठ पीछे छुरा घोंपना तो तुम लोगों का काम है। आप बार बार मेरी सरफराज।
मिशन इज ओवर। शायद अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने कई लड़ाइयां एक साथ लड़ी और मेडल भी जीते, लेकिन बदकिस्मती से चाइना गेट मिशन में हम मात खा गए। कुछ देर के लिए अगर मैं अपने इंसानी जज्बे को अलग रख देता तो वो मिशन भी कामयाब हो जाता। हमें ऑर्डर दिया गया था कि शिवाली का पहाड़ी पर एक मकान में विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं, उस मकान को उड़ाना है। हमने मकान को घेर लिया, बारूद बिछा दिया। ब्लास्ट करने से पहले मैं दूरबीन से उस मकान का आखिरी जायजा ले रहा था कि अचानक मकान का दरवाजा खुला और मैंने देखा कि एक बुढ़िया कबूतरों को दाना डाल रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। कर्नल पुरी, ये सब देखने के बाद मैं कैसे ब्लास्ट का ऑर्डर देता? मुझे लगा कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, हो सकता है हमने गलत मकान को घेर लिया है, इसीलिए आपका प्लंजर दबाने से पहले ही मैंने तार खींच लिया। कर्नल पुरी, अगर आपने वो मंजर देखा होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। आप ब्लास्ट का ऑर्डर नहीं देते, हम में से कोई नहीं देता, क्योंकि हम सिपाही हैं, कातिल नहीं। इसीलिए मैंने वापस लौटने का ऑर्डर दिया और वहीं धोखा खा गए और दुश्मन के जाल में फंस गए, क्योंकि आतंकवादी उसी मकान के तहखाने से निकले और अचानक हम पर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। मिलिट्री कोर्ट के मुताबिक मैंने गलती की थी और मैंने अपनी गलती कबूल की। मैंने कोर्ट को बताया कि पीछे हटने का फैसला मेरा था, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। लेकिन उन्हें लगा कि मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और उन्होंने सभी को सजा दी। फौज से निकाले जाने के बाद आप सब ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन मैं वहीं रुक गया। 17 साल तक सिविल कोर्ट में मैं ये केस लड़ता रहा ताकि आप सबको इंसाफ मिले, और जिस दिन मैं ये केस हार गया मेरी जीने की चाह खत्म हो गई। मैं अपने आप को शूट करने वाला था कि इस लड़की ने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे मदद मांगी। कर्नल पुरी, संध्या मेरी भतीजी नहीं है, मैं इसके पिताजी से कभी नहीं मिला, शायद किसी दोस्त की शादी में गए थे, वहां तस्वीर खिंच गई जिसे लेकर ये मेरे पास आई। मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे जीने का मकसद मिला, और आप लोग भी यहां मेरे लिए नहीं आए हैं, ना गांव वालों की मदद करने के लिए आए हैं, आप अपनी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि चाइना गेट मिशन में जो आत्मसम्मान आप खो चुके थे उसे वापस पाने के लिए आए हैं। भले ही हमारी वर्दी छीन ली गई हो, लेकिन मुझे लगा अब भी हमारे अंदर वो सिपाही का जज्बा मौजूद है, बिना वर्दी के भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन आज एक दूसरे पर बंदूकें तानकर आपने ये साबित कर दिया कि वो सिपाही मर चुका है। आपके दिलों में सिर्फ नफरत है एक दूसरे के लिए, इसलिए अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते। मैंने आपको इस मिशन में बुलाकर गलती की है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये मिशन खत्म हुआ। जो हुआ उसे भूल जाइए सर, प्लीज प्लीज उन्हें रोकिए सर। सर यहाँ एक पर्पस के लिए आए हैं हम, एक मिशन के लिए आए हैं सर हम। मिशन पूरा होगा उदित, डोंट वरी अबाउट द मिशन। लेकिन सर अब हमें इस मिशन से कुछ लेना देना नहीं है संध्या, हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, जा रहे हैं हम। अब तुम इधर उधर क्या घूम रहे हो बिजॉन, जल्दी करो। क्या करूं सर, जब से जिगर ने जाने का सुना है पता नहीं कहां जाकर छुप गया है। शायद वो मिशन छोड़ के जाना नहीं चाहता है सर, वफादार है ना। तुम क्या कहना चाहते हो? साथ में आया था, ढूंढना पड़ेगा, इधर चुप रहो। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आप सब लोग तैयार नहीं हुए तो मैं सबको छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अगर आप लोग चले जाएंगे तो कृष्णकांत जी का दिल टूट जाएगा। अरे अगर उसका दिल होता तो इस वक्त टोस्ट पर मक्खन लगाकर नहीं खा रहा होता। सर वो तो ऐसे ही, अब सर असल में आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर। मॉर्निंग सर फ्रेश। मॉर्निंग सर, आप ही लोग इन्हें समझाइए ना प्लीज। देखिए yes, एक बार उन्हें रुकने को कहेंगे ना तो वो जरूर रुक जाएंगे सर। कहता है हम बुजदिल हैं, बेकार हैं, हम में जोश नहीं है, छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है।
अरे उसके बाप की उम्र का हूं मैं। अब तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे बैठ क्यों रहे हो? सॉरी सर। चलो ना, चलो ना, चलो। वो आ रहा है सर। अरे भाई कोई टांगा लेने गया है या स्टेशन तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा? उदित जाओ जाके टांगा लेके आओ। मगर सर आप, अरे तुमसे कहा है ना जाओ जाके टांगा लेकर आओ, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, जाओ जल्दी जाओ। अलेवन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नो नो थैंक यू। मॉर्निंग कर्नल। वो संध्या कह रही थी कि हमारे जाने से तुम्हें दुख होगा, ठीक है? जब हमारी यहां जरूरत ही नहीं है तो रुकने का मतलब भी क्या है? किशनकांत अब हमारे जाने के बाद जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना, समझे? टोस्ट लीजिए। ठीक है अब तुम कहते हो तो ले लेता हूं। अरे भाई कह रहे हैं तो सब एक एक टोस्ट ले लो। अरे कह रहे हैं तो ले लो ना। आ, 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 सर करे ना तो ले लो, ले लो। थैंक यू सर। ठीक है ये लो। सर वो टांगा आ गया आपका सर। आ गया तो क्या हुआ, रोको उसे, जल्दी क्या है। अरे बोलो कृष्णकांत, रुके या जाएं? रूट करना। तुम उन फौजियों से कहो कि गांव छोड़कर फौरन चले जाएं। हाँ, लाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं। गांव छोड़कर चले जाएं। क्या बात है संध्या? हाँ? क्या हुआ भाई? सर, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब, आप लोग फौजी हैं, मरना मारना आपने देखा है, लेकिन आपकी और जगीरे की लड़ाई में हम गांव वाले नहीं मरना चाहते। देखिए देखिए, ये लड़ाई हमारी थोड़ी ना है, हम सब तो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को कोई लड़ाई वड़ाई की जरूरत नहीं, हमको इस गांव में शांति चाहिए। शांति के लिए भी कभी कभी लड़ना जरूरी होता है। देखिए साहब, हम आपसे बहस करना नहीं चाहते। हाँ। बोलिए ना गोवर्धन जी। हाँ। और हम गांव वालों ने फैसला किया है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। किन गांव वाले ने फैसला किया गोवर्धन? अरे हम भी तो इसी गांव में रहते हैं और हमने ये फैसला किया कि ये लोग यही रहेंगे। बस तो ये है बाबूजी, इस गांव का हर एक बच्चा डाकू बनना चाहता था, पर आपको यूं लड़ते हुए देख करके आज बच्चों ने हमसे कहा मां हम भी फौजी बनना चाहते हैं, और पहली बार हमें लगा अब हम सर उठा करके जी सकते हैं। अरे जगीरा सर रहने देगा तब ना। लाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो जगीरा से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल हाँ, 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 माफी मांगनी पड़ेगी। मिनट आप लोग जगीरा से माफी मांगना चाहते हैं, जो आए दिन इस गांव को लूटता है, आपके परिवार को अपने पांव तले रोनता है, उसी के पांव पकड़कर जीना चाहते हैं आप? किस भविष्य की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको सचमुच अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है तो उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखाइए, और यह तभी हो सकता है जब आज आप इस जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमने जगीरा को पकड़ने का मिशन हाथ में लिया है, आप लोग हमारी मदद कीजिए। मैं वादा करता हूं किसी भी गांव वाले का खून बहने से पहले हमारी जान जाएगी। और हमारी जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी। मुल्की गांव तक तो हम जा ही चुके हैं। ये रास्ता भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है। सर, लेकिन ये जो इंस्पेक्टर पहला बारूट आए हैं, मैंने बताया था ना। एमडी, डॉक्टर, क्लीन अप द प्लेस। ओके सर।
चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस। दस बूढ़े और एक कुत्ता। ओह जवान भी तो है। पूरी टीम बना कर आए हो क्यों संध्या बेटी? तो ये है तुम्हारे सर्कस वाले, क्या नाटक शुरू किया है इन लोगों ने गांव में? सर सर्कस में नाटक किधर होता है, करतब दिखा देने करतब। एक दो आइटम करके दिखाऊं क्या? हाँ करवाऊंगा, ऐसे गुलाटी खिलाऊंगा कि बंदर भी शर्मा जाएंगे। ओ बंदर। इंस्पेक्टर बारोड नाम है मेरा और ये पूरा इलाका मेरा है। हाँ? हमने तो सुना था ये इलाका जगीरा का है। हाँ? कौन बोला? हाँ? अरे भाई इलाका इन्हीं का है। हाँ? जगीरा इन्हीं से तो पूछ कर आता जाता है। ओ, ओ, ओ। टिंगल कर रहा है क्यों? कर कर तलाशी लो करके। हाँ साहब। हाँ तलाशी लो करके लो लो लो। क्या बात है इंस्पेक्टर? ओ तो तुम हो इस सर्कस के रिंग मास्टर। मास्टर जी बात यह है कि मैं तुम सब लोगों को अंदर करने आया हूं। कल जो गांव में गोलियां चलाई, खून खराबा हुआ, 18 लाशें गिरी है, पंचनामा करने के बाद पता चलेगा कि कितने डाकू थे और कितने गांव वाले। एक भी हथियार मिला तो याद रखना, जितनी भी जिंदगी बची है तुम्हारी, वैसे कुछ ज्यादा नहीं बची है, जेल में चक्की पिसते गुजारोगे। क्या मिला? कुछ नहीं मिला साहब। कुछ नहीं। हथियार नहीं मिला साहब? नहीं मिला साहब। क्या बोल रहे? कुछ नहीं मिला बोल रहे, वो बोल रहे मैं नहीं बोल रहा। ज्यादा दांत मत दिखाओ बदनसीबो, मैं ले जाता तो सिर्फ जन में चक्की पीसते, जगीरा ले गया तो खुद पीस जाओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? हाँ सब मिलकर डरा रहे हो क्या? सब साथ में मिलकर पुलिस वाले को डरा रहे हो क्या? ए संध्या, संध्या बेटे जरा संभाल इनको। क्या कर रहा है? जाने को बोल रहा है। जाता हूँ। जा बैठो रे अंदर, गाड़ी चालू कर। आज जा रहा हूँ लेकिन दूसरी बार मैं आऊंगा, गियर में डाल। दूसरी बार मैं आऊंगा तो लेके जाऊंगा। जरा क्या पुलिस वालों के लिए सर्कस का शो करवाना है। निकल निकल। हमने धर्म कर्म से अपने आप को फौजी माना है, हमने देश को अपने जीवन से भी बढ़कर जाना है। सरहद के काम आ न सके हम, काम वतन के आएंगे। सर पे लगा कलंक है जो उसे अपने लहू से मिटाएंगे। हम तो सीने में रखते हैं, हम तो सीने में रखते हैं लोहे के जज्बात। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? पिछले चार दिनों से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। आज चाचा शहर से आए हैं, उन्होंने कहा कि आज 10 रुपए नहीं लाई तो मुझे शहर में बेच देंगे। चाचा उठो, चाचा
काम चोर, तू फिर वापस आ गई। अब लगता है शहर में तुझे किसी का तो बेचना ही पड़ेगा। नहीं नहीं चाचा, मैंने सारे खिलौने बेच दिए। बाबूजी ने सारे खिलौने ले लिए, वो बहुत अच्छे हैं, उनसे पैसे ले लेना। चाचा अब मैं खेलने जाऊं? हाँ लाली जाओ। बच्चों से काफी घुल मिल जाते हो। हाँ अपनी बेटी का बचपन देखा ही नहीं मैंने, पहले फौज फिर एक सुरक्षित जिंदगी के लिए जूझता ही रहा मैं, पता ही नहीं चला कब वो शादी के लायक हो गई। ए बाबू क्या देख रहे हो, माल खरीदा है पैसे ढीले करो। बच्चे की कमाई पर जीकर नींद आ जाती है तुम्हें? अरे काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? पढ़ेगी, स्कूल जाएगी, अपने दोस्तों के साथ खेलेगी और कल से काम तू करेगा। दोबारा तुझे यहां दिन में पड़ा हुआ देखा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। ए, मेरे को डराता है, पहचानता नहीं है मेरे को। साधु राम नाम है मेरा, साधु राम। 3 बार पुलिस थाने में बैठ चुका हूँ। चाकू देखा ना, अभी पैसा निकाल, चल पैसा निकाल। हाँ चाकू देख। अरे उधर क्या देखता है। क्या ये है क्या? जॉन जरा उधर नजर रखना, मैं खोलता हूँ इस साले को। क्या खोलेगा? माफी मांग, माफी 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 माफी। पांव पकड़ के मांग, छोड़ेगा तो पकड़ूंगा। माफ करो। नाक रगड़। रगड़ता हूँ ना नाक। सुन दोबारा अगर लाली से काम करवाया तो ऊपर से नीचे तक खोल के रख दूंगा, समझा? श्री गणेशाय नमः। बच्चों आपके गांव में स्कूल बनने वाला है, खेल के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ने के लिए आओगे ना? आएंगे आएंगे। रेडी सर। अरे वाह तैयार हो गए। नमस्ते। स्कूल पहुंचते ही ये चिट्ठी कर्नल डोगरा को दे देना जी। वो तुम्हें सब समझा देंगे। जी हाँ। सब रहने का क्या होगा, खाना तो ठीक मिलेगा ना? खाना यहाँ से अच्छा मिलेगा। ये बात नहीं सर, पहली बार मुझसे अलग हो रहा है, यही तो मेरा सब कुछ है। आप चिंता मत कीजिए, डीके साथ जा रहा है। शिवा एक बहादुर सिपाही बनकर आएगा, है ना? हाँ और तुमको वो मेडल भी मिलेगा, है ना सर? हाँ क्यों नहीं। और इसमें लड्डू है गोंद के, चुपके से खा लेना, किसी को देना मत, किसी को भी नहीं। किसी ने देख लिया तो? अरे कैसे देख लिया? अरे बांट के खाना, गोंद के लड्डू वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं, दो देना बेटा। झांसी की रानी वाह,
देखा, अरे जय है माँ, अपने बेटे को सिपहिया बनाने चली है। पतन की राह पे बतन के नौजवान शहीद हो, खसम को मरे महीना नहीं हुआ और अपने बेटे की चिता सजाने चली है। अरे तुझे तो चिता भी नसीब नहीं होगी कुत्ते। जे तू नहीं बोल रही है करम की जली, बेदस फौजी बोल रहे हैं जिन्हें तुम लोगों ने पनाह दी है। गलत किया, बहुत गलत किया, अब कछु नहीं होना है, सिर्फ रोना ही रोना है। अरे अब तो नरसंहार होगा रे, नरसंहार होगा। बेटे की मौत पर रो रही है, अरे कछु तो शर्म करो। माता श्री जेल ले, कफन उड़ा ले अपने सिपहिया पे, नहीं तो जे साले हमसे भी ज्यादा हरामी हैं, नोच नोच के खाएंगे। अरे नोच नोच के तो तुझे खाएंगे हरामजादे, जिन हाथों से तूने मेरे बेटे को मारा है, ईश्वर करे वहां कट जाए, गल जाए। ये उतर देते जगीरा का कैरन पत्थरों में, ताकि हर माँ अपने बच्चे को लोरी सुना के समझा दे, बेटा जगीरा के सामने नाव चलियो, पतन की राह पे पतन के नौजवान। मेरा बेटा बहादुर सिपाही की तरह लड़ा, अपनी मां की इज्जत बचाते बचाते। बहादुर सिपाही की मौत पर रोते नहीं, ये लो डॉक्टर। संध्या तुम यहां क्या कर रही हो, जाओ चलो चलो आउट। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जान खतरे में सर, खून अरेंज करना पड़ेगा। सर, लड्डू पर क्या हुआ? बी नेगेटिव सर। ओह माय गॉड, इट इज अ रेयर ग्रुप, ये ग्रुप मिलने का बहुत मुश्किल है सर। बी नेगेटिव है किसी का? कर्नल पुरी, हम में से किसी का है? आप यहाँ पता कीजिए, मैं बाहर देखता हूँ। कम उदित सर। हाँ गुरुंग, गुरुंग का है। गुरुंग? अरे गुरुंग को फौरन बुलाओ। कहाँ है गुरुंग, जरा जल्दी बुलाओ उसे। क्या हाल है टीके? अरे गुरु, अच्छा हुआ तू आ गया, टीके को तुम्हारे खून की जरूरत है। बी नेगेटिव, चल जल्दी कर, जल्दी कर, उसकी जान खतरे में। सोच क्या रहे हो गुरु? डॉक्टर जल्दी करो। मैं खून नहीं दे सकता। क्या कह रहे हो?
इट इज अर्जेंट गुरुंग। मेरा उसूल है, मैं किसी को अपना खून नहीं देता। क्या कह रहे हो गुरुंग? रुको गुरुंग, सुनो तो। अरे खून नहीं मिला तो ठीक है, मर जाएगा। कम ऑन गुरुंग। क्या हुआ? गुरुंग ने खून देने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, खून मिल गया, आओ। गुरुंग भी कमाल आदमी है, बड़े बड़ी तो भाग गया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ब्लड मिल गया, वरना पता नहीं क्या होता। यस सर। ए संध्या, घबराओ नहीं, खून मिल गया है, डीके ठीक हो जाएगा। सर, आप इस मिशन को बंद कर दीजिए, आप लोग वापस चाहिए। देखो मुझसे तो तुमने कहा है, लेकिन किसी और से ये मत कहना। मगर सर, संध्या, अब हम पीछे नहीं हट सकते। गुरुंग पर से हमारा विश्वास उठ चुका है, अब हम साथ काम नहीं कर सकते। किशनकांत, अब या तो वो रहेगा या हम। अरे सेल्फिश है वो, और कुछ नहीं। ऐसे खुदगर्ज और बेरहम इंसान के लिए यहाँ गुरुंग खुदगर्ज नहीं है। अरे तो फिर उसने खून क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि डीके मर जाए। गुरुंग को ब्लड कैंसर है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा तो एक बार सोच लो बेटी। पहले सोच लिया काका। सच्चा सिपाही तो गुरुंग है। हम सब तो लड़ रहे हैं उन दुश्मनों से जो सामने नजर आते हैं, मगर गुरुंग उसका दुश्मन तो उसके शरीर के अंदर घुसकर उसकी रगों में बैठा है और वो उससे लड़ रहा है। गुरुंग कैंसर जैसी बीमारी को पछाड़ रहा है। वाह गुरुंग, हैट्स ऑफ गुरुंग, हैट्स ऑफ। चलता हूं मैं अपनी ड्यूटी पे। कर्नल, आप अकेले न जाएं तो अच्छा है, मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक बात समझ लो, केवल कृष्णपुरी को किसी सरफराज खान की ना तो कभी जरूरत पड़ी है और ना ही पड़ेगी। आई एम परफेक्टली ऑल राइट, गुड नाइट। मदद करने चले हैं। तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूं जो ऐसे ही किसी पर? आठ साल का था मैं,
1947 के राइड्स में हमारा मोहल्ला चारों तरफ से घेर लिया गया था। अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे थे और वो अब्दुल रहमान जिसका घर मेरे बाप ने बसाया था पीठ दिखाकर भाग गया, ऐन वक्त पर पीठ दिखाकर भाग गया। उसकी मदद हासिल करने के लिए हम उसके खिड़की और दरवाजे पीटते रहे लेकिन मारी दहशत के मैं कोयलों की बोरियों के पीछे जाकर छुप गया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उन जल्लादों ने मेरे माँ बाप को काट दिया। हमारा घर उस अब्दुल रहमान ने ही दिखाया था। आज तक वो जख्म भर नहीं पाया है सरफराज, रह रह कर दर्द उठता है। या, या, या। कर्नल पुरी, आपको वो जख्म मैंने तो नहीं दिया है। लेकिन था तो वो तुम्हारी ही कौम का। मेरी कौम क्या है? मेरी कौम? और क्या हक है आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का? फख्र है मुझे इस बात का कि मैं भी आप ही की तरह इसी मिट्टी से उपजा हूं, और फख्र है मुझे इस बात का कि मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन है। फख्र है मुझे अपनी कौम पर। फिर क्यों बार बार हमें यह सुनना पड़ता है? देखो सरफराज, मेरे साथ जो हुआ था, मेरा भाई भी मारा गया था मेरठ के दंगों में, जिंदा जला दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त नारा था हर हर महादेव। लाशें वहां भी गिरी हैं, यहां भी गिरी हैं, तलवारें वहां भी चली हैं, यहां भी चली हैं, जख्म आपने भी खाए हैं, हमने भी खाए हैं। और सच तो यह है कि जख्म तो हमारे इतिहास पर लग गया है, उसे हम मिटा नहीं सकते। लेकिन उस बीते हुए कल के पीछे क्या हम अपना आज और अपना मुस्तकबिल दोनों तबाह कर दें? आप गुरुंग की तारीफ करते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि कैंसर से ज्यादा खौफनाक बीमारी तो आपकी रगों में दौड़ रही है, नफरत की बीमारी, शक की बीमारी। उससे आपको लड़ना होगा, उसे पछाड़ना होगा, तभी आपका जख्म भरेगा, तभी हम सबके जख्म भर सकते हैं। मेरी बात नहीं सरफराज, मैंने जिंदगी को पहाड़ की शक्ल में देखा है जिसमें मैं अकेला बिना सहारे चढ़ जाया करता हूं। लेकिन अब मेरे ना चाहते हुए भी तुम लोग सब मुझे सहारा देने की कोशिश करोगे, हमदर्दी जताओगे, मगर ऐसी जिंदगी मैं जीना नहीं चाहता। कैंसर का दर्द मैं सह सकता हूं, मगर बेबसी की जिंदगी नहीं। मुझे अफसोस है, इस मिशन को मैं आधे में छोड़कर जा रहा हूं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई विल मिस यू ऑल। मेजर साहब, आप तो बहुत ही खुदगर्ज निकले। वो नहीं दिया ना? ठीक है, बदकिस्मती से मैं नो सर, बदकिस्मती तो मेरी थी जिसे आप जैसे बहादुर का खून नसीब नहीं हुआ। आपका खून पाकर अगर मैं दो दिन भी जी लेता सर, तो मैं समझता मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली सर। सर, हमें छोड़कर मत जाइए सर, मत जाइए। नहीं ठीक है, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। Thank you.
चलो फौजी भाइयों का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपना अपना तंबू उखाड़ो, बिस्तरा बांधो और चलो मेरे साथ। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? साला आ गया। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा और लेकर जाऊंगा। वैन लेकर आया हूँ, अपनी अपनी रैंक के हिसाब से बैठ जाओ। जा। किस जुर्म में? गिनो। जुर्म नंबर एक, इलाके में दहशत फैलाना। जुर्म नंबर दो, गांव वालों की जान खतरे में डालना। और जुर्म नंबर तीन, किसी शरीफ लड़की के घर में घुस के बैठ जाना। फिजूल बातें मत करो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो मैं दिखाऊंगा ही, पहले उससे तो पूछो जिसने शिकायत की है आप लोगों के बारे में। संध्या बेटी, जरा बताओ इनको, बताओ इनको। ये क्या मजाक है संध्या? अरे ऐसा इधर बुला के धोखा करने का? उस दिन हमारी बात हुई, मैंने समझाया था तुम्हें, फिर भी मैंने अपने पापा को मरते नहीं देखा सर। लेकिन अस्पताल में पांडे जी को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितनी भयानक होती है। पापा को मरते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। मैंने अब सब में अपने पापा को देखा है। मैं किसी को भी मरते हुए देख नहीं सकती, नहीं देख सकती मैं किसी को भी मरते हुए। इसलिए मैंने मैजिस्ट्रेट साहब को चिट्ठी लिखी कि आप लोगों को यहां से शहर ले जाए। I'm sorry sir, I'm sorry। चलो 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 भाई, मुलाकात का वक्त पूरा हो गया, चलो। अरे जाना कहाँ है हमें? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। जीप खराब हो गई है, एक तो सरकार खटारा गाड़ी देती है, बोलती है जगीरा को पकड़ो, सीधे मजिस्ट्रेट साहब के घर लेके जाओ। जा। जी सर। संध्या बीवी, डीएम साहब क्या से कोई मिलने आए हैं? मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस से आया हूँ फौजियों को लेने। कहाँ है फौजी? जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत तरसाया रे, आज मिली है सूरतिया देखवे को। कौन है रे सरदार? सरदार? सरदार जी तो यहाँ कोई भी नहीं है, दो मोने पंजाबी साहब हैं, कर्नल पुरी साहब, कर्नल पुरी साहब। अरे वो लीडर के बारे में पूछ रहा है। लीडर के बारे में? लीडर की? जय बात। कहो क्या कहना है? कहने कछु नहीं है महाराज, घर आज्ञा हो तो कछु पूछने है। अरे ई उम्र में तो लोग काशी हरिद्वार जात हैं, फिर तुम हिया इन पत्थरों के बीच मरवे काय चले आए?
मरने नहीं मारने आए हैं जगीरा। देवदुर्ग के लोगों को तुम्हारे आतंक से बचाने आए हैं। सुना जे बचावे आए हैं। अरे काय काय करत रह जाओगे, भूखे मरोगे। जे बचावे आए हैं। हाँ जी, चूहों और मेंढक को बचाओगे तो सांप का खाएगा, बकरी और हिरन को बचाओगे तो शेर का खाएगा। ई सब को तुम बदल नहीं सकत फौजी, ई सब प्रकृति का नियम है। हाँ, और संसार का नियम है, जानवर जब आदम खोर बन जाए तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर दीवार पर चिपका दी जाती है। कहना का चाहत हो फौजी? सरेंडर, जान बच सकती है। जेपा, तो तुम चाहत हो कि हम सरेंडर कर दाए? अरे हमरी तो खपड़िया चकरा गई रे। फौजी, या तो तुम पगला गए हो या हमें पागल समझ रहे हो। हम तो सोचे थे जे साले हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग है, पर यहां तो उल्टा हो गया रे। जे चाहते कि हम इनके सामने हथियार डाल दें, झुक जाए और घुटनों पे आके अपना माथा इनके पांव पे टिका के आत्मसमर्पण कर दे। नहीं नहीं नहीं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाथ ऊपर करेगा ना, हम समझ जाएंगे। ई साला, जे भी बोला, जे भी बोला साला, कर्म का जला। जो करना है वो करो, खून डालो सालों को। नहीं सर, सर प्लीज सर, देखिए मुझे मत मारिए सर। इन लोगों की तरह मैं फौजी थोड़ी ना हूं सर। मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूं सर। एक दिन मेरे को चिट्ठी आई और वो वाले साहब है ना, वो वाले साहब बोले चल हमारे साथ, तेरे को फौजी बनाएंगे हम। उदित, देखो सर, अभी भी डांट रहे मेरे को। नहीं चला मुझे आप लोगों के साथ। सुना आपने? Oh!
जंगीरा। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है तू, आज तो तुझे खोल के ही रहूंगा। नहीं सरफराज, टुकड़े टुकड़े कर दो साले के। नहीं, इसे मारना मत। कानून को जगीरा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैं तो कहता हूँ काट डाल साले को। नहीं, काट डालो। हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। जज्बाती मत बनो किशनकांत, हम इसे यहीं खत्म कर देते हैं। हाँ, हमारे मिशन का मकसद था जगीरा की मौत। हमारे मिशन का मकसद है लोगों के दिलों से जगीरा के खौफ को मिटाना, और ये तभी हो सकता है जब एक आम आदमी की तरह कानून इसे सजा देगा। कोई भी साला अपनी जगह का हिलेगा नहीं। चारों तरफ से पुलिस से घेर लिया है। अपने अपने हथियार फेंक दो और हाथ ऊपर उठाओ। तुम सिर्फ गांव वालों के रखवाले हो, कानून के नहीं। कानून के रखवाले हम हैं। और जगीरा भी तुम्हारी तरह इसी देश का नागरिक है। इसको सजा देने का हक सिर्फ कानून का है, तुमको नहीं। चलो हटा हटा हटा। चले साला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है साले को। चल चल। बाहर साहब एक फोटो। हटा हटा हटा। एक फोटो सर। रुक रुक रुक, इधर है ना, इधर है ना। यस। चल जगीरा को पकड़कर कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और अच्छा लगता अगर मैंने उसको 2-4 साल पहले पकड़ा होता। क्या है कि कुछ मासूम लोगों की जानें बच जाती ना, वैसा अच्छा लगता है। हमने सुना है जगीरा को पकड़ने में कुछ फौजियों ने आपकी मदद की। कौन बोला है? कौन बोला है? मैं अकेला था। पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था। तो उन फौजियों ने आपकी मदद नहीं की? नहीं रे, नहीं। बूढ़े हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो गांव में पड़े रहते। मैं अकेला था। तो इनाम के पैसे भी आप अकेले रखेंगे? हाँ, नहीं नहीं, मतलब कि हाँ। क्या है कि पुलिस स्टेशन की जो हमारी बेवाएं हैं, हमारे साथियों ने जो बलिदान दिया है, मैं उसमें बांट दूंगा ना। बाकी का पुलिस स्टेशन की पेंटिंग के लिए, मरम्मत के लिए, पंखे लगवाने 2-3, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो मैं रख लूंगा। उसमें क्या हर्ज है। थैंक यू। जय हिंद। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। मुक्ति। वर्दी से गद्दारी करते हुए दिल तो बहुत दुख रहा है, लेकिन क्या करें, तेरा भी तो नमक खाया है।
अब 4-6 महीने के लिए हवा हो जा, समझा? ये बात सही बोला थानेदार, पर गलत टाइम पे अगर तैने हमारा साथ ना दिया होता तो ये वक्त तेरी कटी हुई खपड़िया के साथ गिद्ध खेल रहे होते। हाँ, गुस्सा करना तो जायज है जगीरा भाई, लेकिन हम तो घर वाले हैं, फौजियों पे निकालो। उन फौजियों के तो हम इतने टुकड़ा कर हैं कि उन्हें उठाना नहीं समेटना पड़े। क्रियाक्रम करवे वाले परेशान हो गए हैं कि सर किसका है और धड़ किसका। चलो रे, कौन पंगा ले इनसे, कोई भरोसा नहीं, कभी भी नेता बन जाए। अच्छा, ये बिजुन कह रहा था कि तुम यहाँ कुछ जमीन में देख रहे हो, यहीं रुकने वाले हो, ये क्या चक्कर है? उस साले बातूनी के पेट में कभी कोई बात रहती नहीं। लेकिन तुम यहाँ करोगे क्या? शहर में भी क्या करूंगा सर, कम से कम यहाँ पर सुकून तो है, और फिर एक नई जिम्मेदारी है लाली की, हो सकता है उसमें अपनी बबली का बचपन देख सकूं। खेतीबाड़ी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन रहूंगा यहीं। खेतीबाड़ी, इसका मतलब हमें गेहूं और चावल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दिनों के बाद नौटंकी देखने को मिलेगा। भूत बनाएगा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अरे सर, जाके गांव देखिए क्या जलवा है सर। सर, जगीरा क्या पकड़ा गया, गांव वालों की तो दिवाली हो गई, क्या सजाए गांव को, पूछे इससे। नाचने गाने का प्रोग्राम भी बना है, भरतपुर से कोई छमिया आई है। तुम क्या कहना चाहते हो? सर, छमिया आई है तो फिर नाचना भी पड़ेगा ना सर। जरूर जरूर नाचेंगे गाएंगे। सही है, पूना की 2 टिकट आपकी सर। 2 टिकट कौन जा रहा है मेरे साथ? वो कर्नल पुरी बोल रहे, वो परसों ईद है ना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ ईद मनाने के लिए। अरे वाह, जरूर जरूर। वो कृष्ण कांत हमेशा कहता रहता है कि सईदा बहू शेर खुरमा बहुत बढ़िया बना। शेर खुरमा नहीं पूरी साहब, शीर खुरमा। ओह हाँ, वही वही, मैंने सोचा कि मैं भी तो चखूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। दिला दो बंगला, दिला दो गाड़ी।
ठुमके पे हाँ मुंबई पटना मैं हारूं कलकत्ता तेरे ठुमके पे हाँ मुंबई पटना मैं हारूं कलकत्ता मेरी पतली कमर मेरी तिरछी नजर मेरी पतली कमर मेरी तिरछी नजर मेरी चढ़ती जवानी छम्मा छम्मा लाली कौन है अरे लाली तो गई कहाँ गई शहर गई शहर वहाँ बहुत सुखी रहेगी बहुत सारे पैसे भी कमाएगी ये देखो मुझे भी पैसे मिले हरामखोर बता कहाँ है वो मामा के पास मामा के पास बेच दिया तूने उसे नहीं खरीद के लेके गए कहाँ सरफराज दिखाई नहीं दे रहा कहाँ गया वो लाली को मिलने गया है बाबूजी अभी रेडियो पे खबर आई जगीरा जेल से भाग गया है क्या देखो मैंने बोला था ना सुनिए आपका आदमी लाली के चाचा को जान से मार डालेगा क्या आइए सरफराज चलो चलो क्या हुआ सरफराज कहाँ है उसने बहुत मार रहा है मेरे को सरफराज कहाँ है बस चढ़ गया लाली बेटी क्यों गई लाली बस सब पर लाली यहीं है सिरसा चाचा ने मुझे सुबह से बात कर रखा है इट्स अ ट्रैप लेट्स गो चलो चलो क्या हुआ सर चलो जल्दी से जल्दी निकालो होले 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 पाओ जमीन पे धर फौजी कोई सियानपन करो तो खपड़िया के छितरा छितरा उड़ जे हैं जे बात देखो कैसन कुत्तन जैसन बात मान रहो है हमरी और उदिन उदरी साला हमरी गर्दन पे कटार रख के बोला था खोल दूंगा हमरी गर्दन पर ही घाव दिया है क्या करता 11 जने थे करम के जले और हम एकदम अकेले नहीं उस दिन मैंने अकेले ही तेरी गर्दन पकड़ के तेरी नाक जमीन में रगड़ी थी भूल गया Ha 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 ha
मेरा बाया हाथ काफी है तुझे मट्टी चटाने के लिए। कुत्ते, अब भी तुझे खोल सकता हूँ। आया आ, नीचे आ हिम्मत है। अबे चुप, करम के चलो। गोली चली नहीं कि करम लगे काए काए। मिलेगा मिलेगा। पुलिसियों का गोश्त तो कई बार चखाया, आज फौजी का खिलाएंगे पेसल गोश्त। बनाने वाले ने बहुत दम दिया। पर क्या करें, एक मिस्टेक कर दिया, खपड़िया को खाली छोड़ दिया रे। घर खपड़िया में कछु होता तो यहाँ जगीरा से भिड़ने ना आता। अब जरा हम भी देखें कैसे चटाते हो मिट्टी। क्या रे, क्या मुजरा हो रहा है? हाँ? ये क्या, दफना दिया इसको? हाँ? किसने बोला था इसको दफनाने को? पुलिस के आने से पहले क्यों दफनाया इसको? इसको दफनाने का नहीं, इसका तो पंचनामा करना पड़ेगा।
देखना पड़ेगा कि जगीरा ने मारा है कि जगीरा के डर से साला खुदकुशी करके मरा है। ला रे फावड़ा ला, खोद के निकाल साले। पुलिस पे हाथ उठा, देख लूंगा। अब तो हम दिखाएंगे तुझे और तेरे बाप जगीरा को। तेरी खोपड़ी नहीं उतार दी ना, मेरा नाम गुरु नहीं। और जाके कह दे अपने जगीरा से अपनी कब्र खोद के रखे, हम लोग आ रहे हैं। अबे चुप, साले चार दिन हो गए उन्हें थाने में बंद किए हुए, और जब हमारे हवाले करने का वक्त आया तो पाला बदल रहा है। नहीं बात ऐसी नहीं, बात यह है कि मामला पूरा मेरे हाथ से ही निकल गया है। अब सरकारी मुलाजिम हूँ, कभी तो ड्यूटी करूँ कि नहीं। और मैंने उनको इतना मारा है जगीरा भाई कि आपका आधा काम तो मैंने कर ही दिया है। मैंने उनके साथ क्या किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वे साले हमरा शिकार है, और कल सुबह तक देवदुर्ग के चौराहे पे खड़े मिलना चाहिए। अर्जुना जी दादा, तू इस साले के साथ जा, और कोई सियान पर करे तो खपड़िया उतार के रख लियो, बाकी का काम गिद्ध संभाल ले। और कहाँ मर गए सब लोग? सोडा बर्फ कौन लाएगा, तुम्हारा बाप? मुझे नहीं मालूम, मैं तो भी इनको पकड़ के लाया, बाद में जगीरा को भी पकड़ेंगे ना। अच्छा किया आपने, एक बड़े भाई होने के नाते ये बिल्कुल ठीक किया है आपने। आपका मन भी हल्का हो गया और मेरे पाप भी धुल गए। थैंक यू, थैंक यू। बाबूजी, जगीरा गांव में आ गया है, उसने हमारे बाल बच्चों को गोदाम में बंद कर दिया है। और कह रहा था आप लोगों को गांव के चौक में जला देगा और गोदाम भी उड़ा देगा। कुछ भी हो जाए बाबूजी, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। हम तो यहाँ आपको छुड़ाने आए थे, हम सब आपके साथ हैं बाबूजी। हम लड़ेंगे, लाला जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लड़ेंगे। अब तो मेरी भी आंखें खुल गई है, अब तो पुलिस फौजी भाई भाई मिलकर लड़ेंगे। अब जगीरा नहीं बचेगा साला, लेकिन पहली गोली मैं चलाऊंगा भैया, बस। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? पहली गोली गुरुंग चलाएगा। ओके भैया, ओके। मैं मेन गेट से अकेला एंटर करूंगा। जाहिरा जगीरा और उसके आदमियों का ध्यान मेरी तरफ होगा। कर्नल पुरी, आप अपने आदमियों के साथ हनुमान टेकड़ी से नीचे उतरेंगे। यस। और क्या हुआ गुरुंग? गुरुंग, कल रात दिन के मुंह से खून निकला था, मुझे बताने के लिए मना किया। I'm all right, sir. मेजर गुप्ता, गुरुंग को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। वासु साहब, मैं हॉस्पिटल में नहीं, जंग में लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था। I want to die with my boots on. Please, सेवा साहब, please. मेजर गुरुंग, उदित, आप लोग चर्च के पीछे वाले रास्ते से अंदर आएंगे। कैप्टन बिजोन, जसूजा, आप लोग हवेली के पीछे वाले रास्ते से दाखिल होंगे। हर हालत में हमें गोदाम को बचाना है। किसी भी गांव वाले की जान नहीं जानी चाहिए। कर्नल पुरी पहली गोली चलाएंगे, फायरिंग शुरू होते ही आप लोग गांव में घुस जाएंगे। एनी डाउट्स? नो सर। गुड लक, लेट्स गो।
फौजी आ रहा है। हुआ डर के भाग गए तेरे साथी या मार दिया अर्जुना ने? बहुत सख्त जान है मेरा भाई। तेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था जगीरा। फौजी? वो मरना नहीं चाहता था। कहा कह रहे हो फौजी? मैंने बहुत समझाया, यकीन दिलाया कि भाई तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे जगीरा को भी भेजता हूँ, तब कहीं जाकर चीखते हुए प्राण निकले। चीखे तो अब तू सुनेगा फौजी, इन गांव वालों की जिन्हें तू बचाने आया है। हम बंकर सिंह उड़ाना स्थलों को। देखा पुरी का फटका, एक ही झटके में तीनों को फटका। हाँ ठीक है। मेरे पोते से कहना, उसके दादा ने गोली सीने पे खाई, पीठ पे नहीं।
Good boy. Good. क्या ये साले डाकू है या रावण के सर केम? एक मारो दूसरा खड़ा हो जाता है। तू फिकर नहीं कर रहा मैं, तू मारता रहे, आज अपने मिशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तू मार, ये ले आ गया रमे। हाँ रमे, तू एक काम कर, तू चल जा इधर, तू जल्दी उधर जा, मैं बोलता हूँ जा रहे, तू जा रहे। घनश्याम, ये क्या हो गया? तू तो बोला था कि मिशन की लेट टाइम अच्छा है। मिशन का टाइम अभी भी अच्छा है रे, लेकिन टाइम मेरा खराब आया था, इसीलिए मैं तेरे को दूर कर दिया ताकि मैं बच जाऊं। मैं बच जाऊं घनश्याम, इसलिए मुझे दूर कर दिया तूने घनश्याम। तू सच्चा सिपाही है रे घनश्याम। मैं तेरे हिस्से के भी मारूंगा, तेरे हिस्से के भी मारूंगा घनश्याम। ये मैंने मारा घनश्याम और ये तूने मारा घनश्याम। अबे कहाँ छिप गया फौजी? खत्म हो गई गोलियां, खत्म हो गई कहा ना, गोलियां खत्म हो गई, गोली नहीं। अरे भाई साहब, आ तो गोली दे, गोलियां तो कल्लू के पास है। अरे लेके आना तू, गोली वहां से चल रही है, गांव वाले वहां छिपे हैं। चलो चलो, ए हराम जादा हो। ये वही जगह है जगीरा, जहां हमारे निहत्थे दोस्त को तुमने धोखे से मारा था। गौर से देखो, याद आया? और आज
मैं उसी के हथियार से तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। जाओ नमक हरामो, ये वही हाथ है जिसने तुम्हें खिलाया है। बस बस मिलेगा, तुम्हारे बाप का गोश्त भी मिलेगा, ऐसे ही बोटी बोटी करके खिलाऊंगा। सबर करो, अभी इसे कई मौत मरना है। हमें छोड़ दे फौजी। अरे तू तो समझदार है फौजी, हमें कानून के हवाले कर दे, हमारा हिसाब तो कानून बराबर करेगा। धोखे से मारा मेरे सरफराज को। आदरणीय गवर्नर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं जो आप हमारे इस छोटे से गांव में पधारे, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पर दो शब्द कहकर हमें कृतार्थ करें। सज्जनों, आज से 17 साल पहले मैं आर्मी में ब्रिगेडियर था। मैंने एक कृष्णकांत पुरी और इनके साथियों को कोर्ट मार्शल की सजा दी थी। आज इन्होंने साबित कर दिया कि भले उस वक्त अपने फर्ज से चूक गए थे, लेकिन ये लोग बुजदिल नहीं, बहादुर हैं। इन्होंने सिर्फ जगीरा के आतंक का खात्मा नहीं किया, बल्कि पूरे गांव को जागृत किया। इन्होंने इस उम्र में भी बहादुरी और बलिदान की एक मिसाल कायम की है, और ये साबित कर दिया कि बिना वर्दी पहने भी देश की सेवा की जा सकती है। सिर्फ देश की सेवा करने का जज्बा होना चाहिए दिल में, और मैं इस जज्बे की कद्र करता हूं। आइए श्री कृष्णकांत, मैं आपको और आपके साथियों को सरकार की तरफ से सम्मानित करता हूं। वेल डन। थैंक यू सर। आदरणीय गवर्नर साहब, श्री अरुण कुमार जी, मित्रों, इस इनाम और सम्मान के हकदार सिर्फ हम नहीं, ये सब गांव वाले भी हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर ये लड़ाई जीती। मेरी और मेरे साथियों की ये इच्छा है कि इनाम का ये पैसा गांव के विकास कार्य में खर्च किया जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू गुरुंग। गुरुंग जैसे सिपाही को कोई भी कैंसर नहीं मार सकता। आज तुम्हारे पिताजी को तुम पर गर्व होगा बेटा। थैंक यू सर। लेट्स गो। कृष्णकांत, आखिर ये जंग हम जीत ही गए। जंग कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, एक सिपाही अपना कुछ ना कुछ खो ही देता है। यू आर राइट सर। भूलेगा ना ये जहां।
कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएं।